विस्तार महोदय डॉक्टर हेमचंद्र त्यागी साहब विद्यापीठ कुल के कुल प्रमुख आदरणीय गुर्जर साहब सभी से निवेदन है कि मंच पर पधारें। कबीराम मोहन सिंह स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभाव का स्वागत वंदन अभिनंदन। जीवन रूपम देवी सरस्वती व्यासं ततो धन्यवाद। अगली कड़ी में
अभिराम मोहन से पीठ के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र जी राव साहब से निवेदन करता हूँ कि हमारे पीठ सुरेश जी शर्मा साहब पधारे। साथ ही राव साहब से निवेदन है हमारे पीठ सभी अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन। सरस्वती देवी अंतु हवंते। इस सिद्ध मंत्र की पीठिका पर मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की, अर्थात जितने भी देवता हुए हैं वह सरस्वती की उपासना से ही हुए हैं। और गीता में भी कहा गया है, या ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्युतु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। अर्थात जितने भी ब्रह्मा से लगाकर जितने भी देवता हुए हैं वो सब मरण धर्मा हैं और आवागमन के फेर में पड़ने वाले हैं। हम राम और कृष्ण जो हुए हैं उनके भी उनका भी देहांत हुआ है, महावीर और बुद्ध का भी देहांत हुआ है। तो जनू भाई ने यह जो मंत्र है इस मंत्र की पीठिका पर राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना करके और हमें यह संदेश दिया कि आप विद्या का अध्ययन करिए और उससे जो निष्कर्ष निकलता है उसे आत्मसात करिए और देवता बन जाइए। मैं आज कुलाधिपति बलवंत चाली साहब का इसलिए आभारी हूँ कि पिछले कार्यक्रम में उन्होंने कविराम मोहन सिंह जी को डीलिट की उपाधि मरणोपरांत प्रदान की थी और वह जो आयोजन था वह भारत में ही नहीं विदेशी अंग्रेजी के अखबारों में भी प्रकाशित हुआ कि एक ऐसा साहित्यकार हुआ जिसे मरणोपरांत डीलिट की उपाधि राजस्थान विद्यापीठ ने दी। राजस्थान विद्यापीठ ने उनके शोध कार्य पर यह पीएचडी की उपाधि दी। वो शोध कार्य था पृथ्वीराज रासो समस्याएं और समाधान। यह पृथ्वीराज रासो समस्याएं और समाधान विषय पूरे विश्व में चर्चित हुआ था और उसको कोई भी उसका निदान नहीं निकाल पाया था कि ऐतिहासिकता क्या है और साहित्यिक महत्व तो उसका माना लेकिन ऐतिहासिक महत्व उसका नहीं माना गया। लेकिन कविराम मोहन सिंह जी ने ये बताया उस चुन चुन कर कि यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध की। वो यह काम इसलिए कर पाए कि उनके पुरखे मलय सिंह जी और भगवान दास जी कछवाहा वो पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्धरत रहे थे और उन्होंने शहाबुद्दीन गोरी से लोहा लिया था। पिछले कुछ दिनों से सारंगदेव साहब की तबीयत नासाज थी, ठीक नहीं थी और लगातार ये चिंता हो रही थी कि इस आयोजन को स्थगित कर दिया जाए या बाद में रखा जाए। लेकिन बाद में यह ध्यान आता रहा कि बड़े सारंगदेव साहब जिनसे ये सारंगदेव हाँप निकली है वह भी पृथ्वीराज चौहान के साथ में लड़ते रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि ये वायरल वगैरह तो कहाँ आता है, इसलिए यह आयोजन पे दृढ़ रहे और यह आयोजन आज आपके समक्ष हो रहा है। हम साल में दो आयोजन करते हैं, एक तो ये राष्ट्रीय व्याख्यान का आयोजन करते हैं और एक फरवरी महीने में सम्मान समर्पण समारोह करते हैं जिसमें मीडिया के किसी व्यक्ति को सम्मान प्रदान करते हैं, संपादकाचार्य का सम्मान प्रदान करते हैं। क्योंकि कविराम मोहन सिंह जी एक ऐसे संपादक हुए हैं, उन्होंने प्रामाणिक संपादन किया पृथ्वीराज चासो का और एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ राजस्थान विद्यापीठ का पृथ्वीराज चासो माना जाता है। यह गौरव राजस्थान विद्यापीठ को हासिल है और जनू भाई ने उनको इसलिए यहाँ पर राजसी ठाट बाट दिए विद्यापीठ में लाकर कि यह काम करना है और यह काम इसलिए करना है
कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करना है। उस समय में जनू भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए लगे हुए थे और ये हिंदी भाषा का आदि महाकाव्य कहलाता है पृथ्वीराज वासो। तो हिंदी का जो उद्गम था, इसका जो प्राथमिक इतिवृत्त था, वही झमेले में बड़ा हुआ था और उस झमेले से निकालने के लिए उन्होंने यह काम मोहन सिंह जी को दिया और मोहन सिंह जी ने इसको पूरा किया। उसके बाद में जब जनार्दन राय नागर ने उनको रासो तत्वज्ञ और पृथ्वीराज रासो के उद्धारकर्ता मनीषी की उपाधि प्रदान की। जानी साहब आज यहाँ पर है और ये बड़ी सुखद बात है कि जानी साहब का डिंगल में बहुत गति है। आप डिंगल के साहित्य में आपका बड़ा शोध कार्य है और यह हमारे लिए बड़े मूल्यवान बात है कि एक बार फिर हमारे को ऐसे कुलपति मिले हैं जिनकी साहित्य में भी इतनी बड़ी गति है। इस पद पर महारामा बैठे गोपाल सिंह जी, इस पद पर महापंडित राहुल शंकराचार्य बैठे, इस पद पर मन्ना रायण जैसे विभूति बैठे, महाराजा कर्ण सिंह बैठे, उन सभी को आज हम आप में नहीं देख रहे हैं। साथ ही रमेश जी बोराना का आगमन, राजस्थान सरकार के सांस्कृतिक सलाहकार आप हैं, संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इसी कड़ी में सुरेश जी शर्मा का दक्षिण से यहाँ पर आगमन, वो नीलकमल प्रकाशन के कर्ता धर्ता है। दक्षिण में आपका बड़ा नाम है, आप प्रकाशन व्यवसाय के बेताज बादशाह माने जाते हैं। आज जब आप यहाँ बता रहे हैं तो मुझे पिछले दिनों हमारे यहाँ पर एक अतिथि बता रहे थे बर्फ भाई शाह, वो याद आ जाते हैं कि वो जब बता रहे थे तो जानी साहब ने और कुलपति जी ने उनसे एमओयू किया और 100 गांवों को गोद लेने का संकल्प लिया। राजस्थान विद्यापीठ 100 गांवों का विकास करेगी और उदयपुर सिटी को सिलिकॉन सिटी बनाएगी। तो उसकी तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं, मैं तो यहाँ यह भी सोचता हूँ कि मेरा गांव भी उसमें शामिल हो और सभागार में बैठे हुए ज़्यादातर कार्यकर्ताओं को यह सोचना चाहिए कि उनका गांव भी उन 100 गांवों में शामिल हो और ये गति आपके जानी साहब और सारंग देवोत जी मिलकर और आगे बढ़ा रहे हैं। सारंग देवोत जी दिन रोजमर्रा में इस प्रकार के सभाएं हमारे यहाँ आयोजित होती रहती हैं। एक सभ्य शब्द है, वो सभा से बना है, सभा में बैठने से ही सभ्य कहलाते हैं। तो जैसे जैसे सभाएं होती है हम सभ्य होते चले जाते हैं क्योंकि असहमति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि मतभेदों को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तब हम सभ्य कहलाते हैं। तो हम निरंतर सभ्यता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं ऐसा मैं मानता हूं और यह प्रक्रिया सारंग देवोत जी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मैं जीवन सिंह जी के बारे में क्या कहूं, जीवन सिंह जी एक ऐसे आलोचक हैं देश में आज की तारीख में जिनका नाम नामवर सिंह के बाद में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। उनकी कई पुस्तकें हैं, उनके समीक्षा ग्रंथ हैं, उनके वो कवि भी हैं। कोरोना काल में तो उन्होंने एक सबसे ही लिख डाली। तो आज का जो विषय है संस्कृति, समाज और साहित्य, तो उस समय की जो संस्कृति थी कविराव मोहन सिंह जी के समय की या
पृथ्वीराज दासों के समय की और आज की जो संस्कृति है ये किस तरह से समाज का निर्माण कर रही है और किस तरह से साहित्य इनको प्रभावित करता है यह सब जानने के लिए यह सभागार आतुर है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और जीवन सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वो पधारे और अपना वक्तव्य प्रदान करें। आदरणीय कर्नल प्रोफेसर एस एस सारंग देवल साहब, इस आयोजन के आशीर्वचन करने वाले मुख्य अतिथि प्रोफेसर बलवंत एस जानी कुलाधिपति महोदय, इस मंच पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी डॉक्टर रमेश बोराना साहब, श्री बी एल गुर्जर साहब जो कुल प्रमुख हैं इस विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर वसुंधरा मिश्र जो कोलकाता से पधारी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, डॉक्टर श्री सुरेश शर्मा जिन्होंने गीत सर्वे को प्रकाशित किया है नीलकमल पब्लिकेशन हैदराबाद से आप पधारे हैं, और हमारे भाई बड़े भाई श्री कृष्ण दाधीच वरिष्ठ साहित्यकार और कवि आप जानते हैं उदयपुरवासी हैं, और कुल सचिव डॉक्टर हेम शंकर दाधीच साहब, मेरे सामने उपस्थित सभी दर्शक श्रोता अतिथिगण और साहित्य रसिक संस्कृति वेद समाज चेता जो आप उपस्थित हैं भाइयों और बहनों, मैं सभी को का अभिवादन करता हूं और सबसे पहले मैं याद करता हूं जन्नू भाई जनार्दन राय नागर को जिन्होंने ये पौधा लगाया। आज होते तो वो कितने प्रसन्न होते, वो स्वयं संस्कृति पुरुष थे। ये विषय जो हमने रखा है इसके पीछे मुख्य केंद्र में संस्कृति है, समाज और साहित्य दोनों संस्कृति के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। संस्कृति सूर्य की तरह है और ये पृथ्वी और चंद्रमा की तरह है जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस विषय के केंद्र में संस्कृति है क्योंकि मनुष्य संस्कृति का निर्माण करता है और सभ्यता का निर्माण करता है। ये दो काम मनुष्य करता है पृथ्वी पर आकर। हालांकि इस समय वो केवल सभ्यता की तरफ उस पर ज्यादा बल दे रहा है और संस्कृति उसने छोड़ दी है। इस समय का जो मनुष्य है वो संस्कृति पर कम ध्यान देता है, सभ्यता पर ज्यादा ध्यान देने में लगा हुआ है। विकास की जो धारणा है जो बार बार राजनीति के शब्दों में आती है, विकास कर रहे हैं हम, विकास कर रहे हैं, वो विकास सभ्यता का विकास है, संस्कृति का विकास नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए समाज में साहित्य और कलाएं, परिष्कृत कलाएं मैं कह रहा हूं, वो सबसे निचले स्तर पर है इस समय पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया का जो साहित्य है उसमें मास कल्चर ने कब्जा कर लिया है, मास कल्चर लोकप्रिय संस्कृति ने कब्जा कर लिया है, पॉपुलर कल्चर ने कब्जा कर लिया है। और एक जमाने की जो मानवतावादी संस्कृति हुआ करती थी, मनुष्य को संस्कार देती थी, मनुष्य का रूपांतरण करती थी और मनुष्य को मनुष्य बनाती थी, उस संस्कृति पर दुनिया में कहीं भी ज्यादा बल नहीं है। मैं इस अवसर पर यह बात केंद्र में रखकर अपने वक्तव्य में कहूंगा। इस अवसर पर मैं यहां कविराज मोहन सिंह का स्मरण करता हूं, उनको उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से 40 सालों में पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्य का संपादन किया जिसके संबंध में बहुत से विवाद प्रचलित थे कि वो ऐतिहासिक नहीं है, जाली ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको एक जाली ग्रंथ ठहराया लेकिन आदिकाल में ही जगह दी, कहा तो ये कि बाद का लिखा हुआ है क्योंकि इसमें जो तिथियां हैं, इसमें जो घटनाएं हैं वो कपोल कल्पित अधिक है। तो ऐसे
ऐसे चुनौतीपूर्ण ग्रंथ का उन्होंने संपादन किया और 40 साल तक वो यहाँ इस विद्यापीठ में इस काम को करते रहे। मैं उनका स्मरण करता हूँ और उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मैं इस अवसर पर उदयपुर में हूँ, इसलिए मेरे जो मित्र यहाँ साथी और बुजुर्ग रहे उनका भी मैं स्मरण करता हूँ जो इस दुनिया में नहीं है। प्रकाश आतुर जब यहाँ थे तो मैं अकादमी, जो राजस्थान साहित्य अकादमी है, उसकी गवर्निंग बॉडी में मैं भी एक सदस्य था, यहाँ खूब उनके जमाने में आता जाता था। नंद चतुर्वेदी जो बड़े वरिष्ठ कवि हैं, केवल हिंदी के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी प्रदेश के, उनका मैं स्मरण करता हूँ। और अभी अभी कोरोना के समय में नवल किशोर जी की, जो बहुत बड़े विद्वान आलोचक और मानवीय अर्थवत्ता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, इस पर एक बहुत बड़ा अधिकार रखते थे, वो कोरोना काल में उनका निधन हुआ, उनका भी स्मरण करता हूँ। साथियों, मेवाड़, मीरा और राणा प्रताप, इन ये तीनों शब्द एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। तीनों शब्द, मेवाड़ अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक सांस्कृतिक नगर है, एक सांस्कृतिक जनपद है। यह केवल राजाओं का जनपद नहीं है, बल्कि यह वह जनपद है, वह इलाका है जो स्वाधीनता को किसी के सामने गिरवी नहीं रखना चाहता, जो स्वाधीनता के लिए निरंतर लड़ता है, मुक्ति के लिए लड़ता है। ज्यादातर लोग तो गुलामी के लिए तत्पर रहते हैं कि हम कैसे गुलामी करें लोगों की और कुछ अर्जित कर लें। यह इलाका वो है जो छोड़ता है और छोड़ने के साथ साथ मुक्ति के प्रयत्न करता है। मनुष्य कैसे मुक्ति हो, मुक्त हो, देखिए संस्कृति तब होती है जब मनुष्य मुक्ति के प्रयत्न करता है, बंधनों से मुक्त होना चाहता है। हम न जाने हजारों सालों से कितने तरह के बंधनों में हैं, पशु बंधन में रहता है, पशु कभी मुक्त होने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास न हृदय है न उसके पास मस्तिष्क है। ये दो ऐसी चीजें मनुष्य को प्रकृति ने दी हैं कि मनुष्य को हृदय दिया है, भाव महसूस करने की शक्ति दी है, वो अपने बारे में महसूस नहीं करता है बल्कि दूसरों के बारे में भी महसूस करता है। और जब आप दूसरों के बारे में महसूस करने लगते हैं, स्वयं को छोड़ देते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, तो संस्कृति पैदा होने लगती है। संस्कृति कोई नाच गान नहीं है, वो तो उसका बाहरी स्पेस है, वो तो उसका रूप है, वो तो उसका रूपाकार है। नाचना, गाना, कलाएं उत्पन्न कर, ये तो उसका बाहरी आकार है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो आत्मा संस्कृति की है, मनुष्यता, इंसानियत, दूसरों के कष्ट में शामिल होना और ये कोशिश करना कि केवल मैं अकेला मुक्त नहीं हूं बल्कि पूरा समाज मुक्त हो, जो भी बंधन में जकड़ा हुआ है वो सब मुक्त हो। जैसे एक जमाने में इसी धरती पर, उस समय उदयपुर तो नहीं बना था, चित्तौड़ था, मीराबाई ने स्त्रियों की मुक्ति के लिए अपनी व्यंजना से बातें कही। मीरा एक पूरी संस्कृति है, मीरा कोई कवयित्री, केवल कवयित्री नहीं है, मीरा कोई केवल भक्त नहीं है, बल्कि भक्ति के माध्यम से उन्होंने एक संस्कृति का निर्माण किया है। वो संस्कृति क्या है कि स्त्री को भी उतनी ही आजादी मिलनी चाहिए जितनी पुरुष को है। अगर पुरुष भक्ति कर सकता है, पुरुष भक्ति में मग्न होकर नृत्य कर सकता है, अगर पुरुष अपने भगवान और आराध्य के सामने गा सकता है, तो मैं भी गाऊंगी। मैं भी, अगर पुरुष सोच सकता है तो स्त्री भी सोच सकती है। यह स्त्री का जो सोचना है, यह एक नई संस्कृति का निर्माण करता है। वो इस इलाके में मीराबाई ने 500 वर्ष पहले करके बदला, 500 साल पहले। अब तो स्त्रीवादी लोग बहुत हैं संसार में, आज तो यूरोप में पूरा स्त्रीवादी आंदोलन चला आधुनिक जमाने में, आज तो बहुत हैं ऐसे लोग, लेकिन मीराबाई ने 500 साल पहले, मैं जोधपुर, मीराबाई का जन्म शताब्दी वर्ष मना था 500वां, तब जोधपुर में उम्मेद भवन में बहुत अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ था, वहां फ्रांस से भी लोग आए थे और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया
कि ऐसी स्त्री 500 साल पहले हो सकती है, यह अद्भुत है। हमने मीरा को केवल एक भक्त कवयित्री बना के छोड़ दिया है। मीरा एक संस्कृति, एक नई संस्कृति, एक नई रोशनी दिखाने वाली महिला है। वो राणा प्रताप से कम महान नहीं है। राणा प्रताप ने भी अपनी एक संस्कृति का निर्माण किया उनके बाद में, मीराबाई के बाद में। आप अंदाजा लगाइए आज भी स्त्री का, स्त्री के लिए कितनी चुनौतियां हैं हमारे समाज में। आज भी जबकि स्त्री शिक्षित होने लगी है, फिर भी हमारे गांवों में, हमारे जनपदों में, हमारे रूढ़िवादी और दकियानूस लोगों में स्त्री को किस तरह से एक एक, एक, एक कैद किसी स्थिति में रखा जाता है, जबकि जरूरत यह है कि दोनों गाड़ी के पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री के, अगर स्त्री कमजोर होगी जिस समाज में, वो समाज पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। उस समाज में लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित नहीं हो सकते जहां स्त्री की मुक्ति नहीं है। हमारे यहां पंचायत राज को आप देख लीजिए, अखबारों में रोजाना पढ़ने में आता है, सरपंच तो बन गई है स्त्री पत्नी और काम कर रहा है पुरुष, और एक नया शब्द निकल गया सरपंच पति। ये सरपंच पति क्या होता है, ये कौन सी पोस्ट निकल गई? तो लोकतंत्र को आप स्त्री को लाना चाहते हैं, लेकिन स्त्री को सक्षम बना करके लाइए। ये संस्कृति का निर्माण है। जब आप लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ते हैं, लोकतंत्र और संविधान के, संविधान एक संस्कृति है। संविधान का जो ग्रंथ है हमारा, वो एक संस्कृति ग्रंथ है। वो केवल राजनीतिक ग्रंथ नहीं है, वो लोकतंत्र को बचाने वाला ग्रंथ है। और लोकतांत्रिक जो मूल्य है वो सांस्कृतिक मूल्य है, वो समाज के मूल्य है। उनको साहित्य में व्यक्त किया गया है, लेकिन साहित्य चूंकि समाज में सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है, हमारा समाज कोई बहुत बड़ा साहित्य अनुरागी समाज नहीं है। हम कई बार इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम बड़ी कविताएं सुनते हैं, बड़ी कविताएं पढ़ते हैं, हम बड़े उपन्यास पढ़ते हैं, बड़ी कहानियां पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, हम सबसे कम साहित्य को हाशिए पर रखते हैं। समाज केंद्र में है, समाज संस्कृति का भी निर्माण करता है, समाज साहित्य का निर्माण भी करता है, और साहित्य के माध्यम से वो संस्कृति का निर्माण भी करता है। लेकिन समाज, अगर साहित्य प्रेमी समाज नहीं है तो उसकी संस्कृति भी उतनी ही कमजोर होगी। जो समाज साहित्य प्रेमी होते हैं, जो समाज कला प्रेमी होते हैं, जो समाज संगीत प्रेमी होते हैं, संगीत में डूबे रहते हैं, हमारा समाज कितने से नाटक देखता है, इतने बड़े बड़े वो बने हुए हैं, लेकिन नाटक बहुत कम होता है। जिन समाजों में नाटक बहुत कम होते हैं, जहां नाटक के प्रेक्षागृह नहीं होते और वो भरे हुए नहीं होते, वहां कोई संस्कृति बहुत आगे विकसित नहीं हो सकती। संस्कृति निस्संदेह टेक्नोलॉजी से विकसित होती है, साइंस से विकसित होती है, इंडस्ट्री से विकसित होती है, लेकिन ये सभी सभ्यता को विकसित करते हैं। आप इंडस्ट्रियां लगाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, लेकिन एक अच्छा इंसान भी बनाइए। केवल रोजगार देने से काम नहीं चलेगा, केवल डॉक्टर बनाने से काम नहीं चलेगा, केवल इंजीनियर बनाने से काम नहीं चलेगा, एक अच्छा इंसान भी बनाइए। केवल नेता बनाने से काम नहीं चलेगा कि आपने एमपी बना दिया, चुन दिया, आपने एमएलए चुन दिया, ये तो आप करिए, ये तो फॉर्म है, ये तो लोकतंत्र का एक फॉर्म है, कंटेंट नहीं है इसमें बिल्कुल भी। कंटेंट जब आता है फॉर्म में, जबकि आप कल्चर क्रिएट करते हैं, जबकि आप वैल्यू सिस्टम क्रिएट करते हैं, जबकि आप एक मूल्य प्रक्रिया में समाज को लाते हैं, जबकि एक नैतिक बोध आप समाज में पैदा करते हैं। और यह काम साहित्य ने हजारों साल से किया है। साहित्य नैतिक बोध पैदा करने का औजार है, माध्यम है। जहां कहीं भी नीति नहीं है, जहां नीति शास्त्र की अवहेलना होती है, जहां नैतिक बोध की अवहेलना होती है, वहां साहित्यकार उन राजनेताओं, उन अपने जमाने के बादशाहों के सामने खड़े हो जाते हैं जो बादशाह पूरे पूरी पूरे समाज पर बादशाहत करते हैं। आप जानते हैं अकबर बादशाह ने, जिसका बहुत बड़े क्षेत्र में राज था एक जमाने में हिंदुस्तान में, वो संगीत प्रेमी था, वो कला प्रेमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने एक नई संस्कृति का निर्माण हिंदुस्तान में किया। तो उस जमाने में उन्होंने
अष्टाप के जो कवि थे उन कवियों में से बुलाया, तो कवि ने कहा कि भाई वो संगीत में बहुत अच्छा प्रवीण है, तो फतेहपुर सीकरी में उस समय अकबर की राजधानी थी, वहां वहां बुलाया उनको। तो उन्होंने कहा आप अंदाजा लगाइए एक बादशाह बुला रहा है, ये आदमी का स्वाधीनता बोध है। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मुझे संतन को कहा सीकरी सो काम, ये स्वाधीनता बोध है। जैसे मीराबाई ने मेवाड़ के का जो शासक था तत्कालीन बलवीर, जिन्होंने उसको परेशान किया था, उनको साफ साफ कहा नहीं भावे थारो देसर लो रंग रूप लो, ये कितना ही अच्छा है तुम्हारा, इतना ही अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है, थारा देश में साध नहीं छे लोक बसे सब पूर्ण। साध नहीं, साधु की मांग करना, समाज में इंसान की मांग करना, जब लोग इंसानियत की मांग करने लगते हैं, जब साधु की मांग करने लगते हैं, जब सज्जन लोगों की मांग करने लगते हैं, तब संस्कृति पैदा होती है। केवल राज बना लेने से, केवल फौजें खड़ी कर देने से, वो भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि थारा देश में साध नहीं है। इसलिए ये रंगरूड़ा, ये बहुत सुंदर जो आपने बनाया है ये देश, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छे लोग चाहिए। अगर इसमें साधु लोग होते, सज्जन लोग होते, संस्कृतिमान लोग होते, विवेक संपन्न लोग होते, तो मैं तुमको प्रणाम करती, तुम्हारे सामने नतमस्तक होती। तुम तो ऐसे हो जैसे वृक्षों में कैर, राणा जी थे क्या ने राखो भांसु बैर, थे तो माने इशड़ा लागो जीव वृक्षों में कैर, जैसे कैर कड़वा होता है, ये वही कह सकती थी जो मुक्ति की मांग करता है, जो अपने को स्वाधीन रखना चाहता है, जो गैर बराबरी को मिटाना चाहता है, जो भाईचारा पैदा करना चाहता है। ये तीन बहुत बड़े मूल्य हैं, ये बहुत बड़े जीवन मूल्य हैं जो संस्कृति के निर्माता हैं। आदमी बराबर हो, भेदभाव ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, आदमी स्वाधीन हो, तभी सृजन कर सकता है। अगर आप स्वाधीन नहीं हैं, तो आप अव्यक्ति के खतरे नहीं उठा सकते। और भाईचारा पैदा करें समाज में, ये तीन मूल्य 18वीं शताब्दी में आप देखिए निकल करके आए, और दुनिया में जहां भी लोकतंत्र स्थापित हुए इन तीन मूल्यों के लिए हुए, इन तीन मूल्यों ने नई संस्कृति का निर्माण किया दुनिया में। 18वीं शताब्दी के अंत में 1789 में ये तीन मूल्य आए, जिनमें नारा लगाया गया फ्रांस में उसके बादशाह को लुई को हटाकर, यह कहा गया जनता में, स्वाधीन चेताओं ने कहा कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें फ्रेटरनिटी चाहिए। और उस जमाने के विचारकों ने, हॉब्सलॉ क्रूसो जो पैदा हुए, उन फ्रांसीसी विचारकों ने एक नई चेतना जगाई, और देखिए उसका परिणाम हुआ कि इंग्लैंड का जो साहित्य था 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में जो साहित्य लिखा गया वो सारा स्वाधीन चेतना का साहित्य हो गया। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, और 1798 में दो बड़े रोमांटिक पोइट हुए इंग्लैंड में, जिनके नाम हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। उन्होंने लिरिकल बैलेट्स नाम का एक ग्रंथ निकाला 1798 में, जिनमें इन तीनों चीजों के लिए कहा कि तीनों चीजों की पूरी विश्व मानवता को जरूरत है, केवल हमको ही नहीं, स्वाधीनता की पूरी दुनिया को जरूरत है, समानता की पूरी दुनिया को जरूरत है, और भाईचारे की पूरी दुनिया को जरूरत है। आज आप देख लीजिए जिस तरह का विश्व बन गया है, जिस तरह का कलह पूरी दुनिया में है, जिस तरह का फसाद, जिस तरह के झगड़े, जिस तरह के द्वंद पूरे संसार में मुझे हुए, उनमें फिर से इन बातों पर विचार करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें साहित्य में किस तरह से व्यक्त होती हैं, संस्कृति की चीजें, ये केवल एक देश का मामला नहीं है, पूरे विश्व का मामला है, और अब तो और ज्यादा है, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के जमाने में रह रहे हैं, हम वैश्वीकरण के जमाने में रह रहे हैं। अब कोई देश अलग थलग नहीं रह सकता दुनिया से, किसी भी देश में कोई काम होता है, किसी भी देश में कुछ हो रहा है, उस सब का असर दूसरे देश पर पड़ रहा है। कोरोना चाइना में पैदा हुआ,
लेकिन पूरी दुनिया को ग्रस्त कर गया, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ऐसे ही पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति का जो सामूहिक चरित्र है, उस सामूहिक चरित्र पर विचार करने का समय इस समय है। पहले नहीं था, पहले इस तरह से आवाजाही नहीं थी। आवाजाही तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। आवाजाही तो आप देख लीजिए, हमारे देश में मौर्य काल के जमाने में ही यूनान से लोग आ गए थे, तो वो वैसी आवाजाही तो वो तो आते थे, लूट करके चले जाते थे या यहां बस जाते थे। वैसी आवाजाही तो पूरे विश्व में बहुत पहले से है, आज से नहीं है। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यूनानी आए, पश्चिमी सीमाओं तक आकर रह गए, उसके आगे नहीं बढ़ पाए वो लोग। लेकिन अब नहीं है वो जमाना, आज तो पूरे विश्व का जमाना है, वैश्वीकरण का जमाना है। आज तो थोड़ी थोड़ी देर में फ्लाइट आती है आपके पास, हजारों की संख्या में फ्लाइट आती है, और करोड़ों लोग, लाखों लोग एक दूसरे देश में रहते हैं। इस तरह से पहले नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नया वैश्वीकरण का जमाना है, इस जमाने ने हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां पैदा कर दी। कैसी चुनौतियां? सांस्कृतिक चुनौतियां। सभ्यतागत चुनौतियां तो हैं ही। सभ्यतागत चुनौती तो बहुत बड़ी यह है कि हम अपने देश के 70-80 करोड़ लोगों की भूख को कैसे दूर करें, विषमता को कैसे दूर करें। यह सभ्यतागत चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है सांस्कृतिक चुनौती। सांस्कृतिक चुनौती डिप्रेशन से बचाने की चुनौती, ये सांस्कृतिक चुनौती है। आदमी को अवसाद से बचाना, आदमी को अकेलेपन से बचाना, आदमी को अजनबीपन से बचाना। जबरदस्त एलिनिएशन इस समय समाज में है। पिता और पुत्र के रिश्तों में गड़बड़ है, भाई और भाई के रिश्ते में गड़बड़ है। ये कल्चरल जो हमारी कमजोरी है वो प्रकट करती है। अगर भाई से भाई में प्रेम नहीं है, अगर माता पिता के प्रति पुत्र की वफादारी नहीं है, अगर पड़ोसी के प्रति हमारे मन में लगाव नहीं है, अजनबीपन है, तो इसका मतलब है हम संस्कृति च्युत हो चुके हैं, हमारा सांस्कृतिक पतन हो चुका है। समाज में संस्कृति के रक्षक मिटते चले जा रहे हैं। इसलिए आप देख लीजिए, थोड़ी देर बाद गीत समय का लोकार्पण होगा, भाई किशन दादी, वो बाद में होगा, उस पर चर्चा बाद में होगी। मैं तो पहले बोल रहा हूं, इसलिए मैं उनको पहले ही मुबारकबाद दे देता हूं। वो संस्कृति का ही स्रोत है। वो ग्रंथ क्या है? वो या तो आलोचना करता है, उसमें आप गीत पढ़िए, या तो वो इस समय की आलोचना करेंगे कि देखिए ये अच्छा अच्छा नहीं है इसमें, या फिर वो बतलाएंगे कि ये अच्छी चीजें हैं, इनको मनुष्य के निर्माण में, इंसानियत के निर्माण में बार बार याद करना जरूरी है। जैसे हम रामायण महाभारत को याद करते हैं, रामायण महाभारत को क्यों याद करते हैं बार बार? क्यों याद करते हैं? वो कविता के ग्रंथ हैं दोनों। क्यों? क्यों महाभारत ये कहता है धर्म वह नहीं है जो दूसरे के धर्म में अड़ंगा लगाता है, जो दूसरे के धर्म को धर्म नहीं मानता, उसका दुश्मन बन जाता है, वो धर्म नहीं है। धर्म योत बाधते धर्म न स धर्म उधर्म तक अविरोधी तो यो धर्म सधर्म मुनि सत्तम, ये महाभारत में कहा है। धर्म योत बाधते धर्म, जो धर्म दूसरे धर्म के सामने बाधा पहुंचाता है, उसको गालियां देता है, कोई भी धर्म दुनिया, अगर आप दूसरे धर्म का बगैर बात विरोध करते हैं, तो महाभारत में बहुत पहले व्यास जी ने कहा धर्म योत बाधते धर्म न स धर्म वो धर्म नहीं है, उधर्म तक वो कुधर्म, वो बुरा धर्म है, वो अच्छा धर्म नहीं है। अविरोधी तो यो धर्म, जो अविरोध पैदा करता है, जो सामंजस्य पैदा करता है, जो धर्म के नफरत को मिटाता है। अविरोधी तो यो धर्म सधर्म मुनि सत्तम, ये मुनि वही धर्म कहलाता है। ये धर्म को परिभाषित किया है। इसलिए आज भी हम महाभारत को, इन बातों के लिए महाभारत को याद करने लगते, हम वाल्मीकि रामायण को अपनी संस्कृति का ग्रंथ मानते हैं। रामायण साहित्य का ग्रंथ तो है, हजारों साल पुराना है, लेकिन वो संस्कृति का ग्रंथ इसलिए है कि जहां हमको दिक्कत आती है, वहां संस्कृति का कोई ना कोई सूत्र वहां से देख लेते हैं। जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध कांड में वाल्मीकि लिखते हैं कि मेघनाथ से युद्ध चल रहा है, दोनों भाई सामने खड़े हुए, और दोनों भाइयों के सामने उस मेघनाद ने अपनी राक्षसी माया चलकर अनेक बानरों का वध कर दिया।
और ये नौबत आ गई कि राम और रावण को, राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को लंब मारने की स्थिति में आ गए। तब लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया और लक्ष्मण ने राम से कहा, लक्ष्मण क्रुद्धो भ्रातरं वाक्यम अब्रवीत, वाल्मीकि लिखते हैं। लक्ष्मण को फिर क्रोध आया और अपने भाई राम के पास जाकर कहने लगा, हे राम, मैं चाहता हूं इन सारे राक्षसों का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं। ब्रह्मास्त्र प्रयोगक्षामि वधार्थं सर्वरक्षसा, ब्रह्मास्त्र प्रयोगक्षामि, मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि सारे राक्षसों को मारना चाहता हूं। राम ने कहा, आप देखिए संस्कृति देखिए, हम भी कह देते, हम जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं हम भी कह देते हैं सबको मार दे। एक सामान्य घटिया बुद्धि का जो आदमी है वो ये कह देता, जो संस्कृतिवान नहीं है, जिसने नीति सीखी नहीं है, जिसने सिवाय अपने स्वार्थ के इस दुनिया में आकर कुछ नहीं किया है, जो दूसरों के बारे में कभी सोचता ही नहीं है, केवल अपने ही अपने बारे में सोचता है, वो संस्कृतिहीन मनुष्य होता है। राम ने लक्ष्मण का समर्थन नहीं किया कि तुम सारे राक्षसों को मार दो। उसने कहा, गलती तो एक कर रहा है, ये सारे राक्षस कहां गलती कर रहे हैं? गलती तो एक ने की है, मेघनाद ने गलती की है, तुम सबको क्यों मारना चाहते हो? ये राम ने कहा, एक एक व्यक्ति के लिए सबको मारना, सारी जाति को मार देना, हिटलर ने पूरी यहूदी कौम को नष्ट कर दिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ। अंदाजा लगाइए यहूदियों का क्या दोस्त था सबका, सारे यहूदियों का क्या दोस्त था, लेकिन कंसंट्रेशन कैंप बना दिए थे। ये मूर्ख आदमी ऐसा कर सकता है, जो संस्कृति विहीन आदमी है, जो अनैतिक आदमी है, वही ऐसा कर सकता है। तो राम कहते हैं, लक्ष्मण, एक आदमी के लिए, एक आदमी का दोष है, सबको नहीं मार सकते। नहीं एकस्य राक्षस्य राक्षसां, सारे राक्षसों का वध नहीं कर सकते। और उन्होंने एक संस्कृति दी, अयुद्धमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतिं, जो युद्ध की इच्छा नहीं करता है, अयुद्धमानं प्रच्छन्नं, जो अयुद्ध, जो युद्ध की इच्छा नहीं कर रहा है, जो लड़ नहीं रहा है जो आदमी, और प्रच्छन्नं माने युद्ध के मैदान से जाकर कहीं छुप गया है, प्राञ्जलिं जो हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है कि मैं आपकी शरण चाहता हूं, शरणागति, मैं शरणागत चाहता हूं, हे लक्ष्मण, उन लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए। ये बात भी रामायण में, और युद्ध के मैदान में वो कह रहे हैं। क्या हम ऐसा करेंगे? हम कहते तो हैं रामायण हमारा इतना बड़ा ग्रंथ है, महाभारत हमारा इतना बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उनका सार तत्व क्या है? उस सार तत्व को जानेंगे तो ही संस्कृति को आप जानेंगे। राम का जो व्यक्तित्व है वो महान इसलिए है कि वो त्याग करता है। त्याग का बहुत बड़ा आदर्श है। मुझे लगता है कि दो ही आदर्श हैं त्याग के बहुत बड़े, या तो महात्मा बुद्ध या राम। रामायण, महात्मा बुद्ध ने भी ठोकर मार दी थी अपने राज्य को, किस लिए? कि दुखियों को देखकर। संसार में जब आप दुखियों को देख करके संसार को ठोकर मार देते हैं, राज्य को ठोकर, और तो एक राजा का बेटा था, चाहे वो गणराज्य थे छोटे छोटे, लेकिन उन छोटे राज्यों का बेटा था और चाहता तो राजा बन सकता था, लेकिन नहीं, छोड़ दिया दूसरों के दुख के लिए। ये कल्चर है, ये संस्कृति है, ऐसी संस्कृति के लिए हमें चिंतित रहना चाहिए। इस पर दरअसल बहुत कहने को, संस्कृति के हमारे हमारे देश में हजारों सालों में कैसे विकास हुआ है, कैसे द्वंद्व रहता है, लेकिन मुझे 20 मिनट का समय दिया गया है, लिहाजा मैं अब इस असमंजस में हूँ कि इस पर क्या बोलूँ क्या न बोलूँ। तो मैं अपने समय को देख रहा हूँ, और भी सभी साथियों और मित्रों को बोलना है, और बहुत संस्कृति का विषय बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा और बड़ा जटिल विषय है, और हमेशा चलने वाला विषय है, पहले दिन से चलने वाला विषय है। आप देखिए वाल्मीकि रामायण में, अयोध्या कांड में, जब दशरथ राम चले गए वन को छोड़कर, और दशरथ कौशल्या, दशरथ विरह में है, व्याकुल हो गए हैं राम के विरह में, और लगभग मरणासन्न है, लगभग मरने वाले हैं, तब कौशल्या सामने बैठी हुई है, तब कौशल्या से कह रहे हैं, ऐसे समय में जब आदमी दुखी होता है संस्कृति तब निकलती है, खुशी में कभी संस्कृति नहीं निकलती, खुश लोगों के यहां संस्कृति नहीं होती, संस्कृति दुख में निकलती है। तब
कहते हैं कौशल्या, मैंने फूलों को देखकर फल की कल्पना कर ली थी, मैंने ये नहीं सोचा था कि इन फूलों में जो फल आएगा वो बहुत कड़वा होगा। जैसे पलाश का पेड़ होता है, फूल उसका बहुत खूबसूरत लगता है, फागुन चैत्र के महीने में जो खिलता है पलाश, तिलसुख ढाक जिसको कहते हैं, तो दशरथ कहते हैं मैंने भी ये समझ लिया था, मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि हम फल की परवाह कई बार नहीं करते। वो कहती हैं, कहते हैं मैंने अविज्ञाय फलम यो ही कर्मम त्वेवा निधावता ससोचेत फल बेलायाम यथा किंसुक से चकर। जैसे धार की कश्चित आम्र बनम छित्ता पलाशांति, कोई आदमी आम के जंगल को काट देता है और पलाश को सींचने लगता है, उसके फूलों को देखकर आम को काट देता है, आम में बौर आता है लेकिन वैसा चमकदार फूल नहीं होता जैसा पलाश में होता है। तो हम चमकदार सभ्यता को देखकर अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं, हमने अपनी संस्कृति पर ध्यान देना छोड़ दिया है समाज में, केवल विकास विकास वो भी जरूरी है, ये नहीं है कोई विकास, लेकिन सभ्यता के साथ संस्कृति का भी विकास करके। पहले जमाने ऐसे नहीं थे, अब यूनिवर्सिटियों में सबसे कम साहित्य पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटियों में सबसे कम कलाएं सिखाई जाती हैं, यूनिवर्सिटियों में आपको नाटक प्रेक्षागृह नहीं मिलेंगे, यूनिवर्सिटियों में रोजाना नाटक होते नहीं देखेंगे। आप देखिए वहां इंग्लैंड में जब 16वीं शताब्दी में नवजागरण हुआ तो शेक्सपियर के नाटक नगर नगर में होते थे, लंदन में तो इतने कितने प्रेक्षागृह थे। हमारे यहां क्या है, हमारे यहां साइंस और टेक्नोलॉजी पर ध्यान है, वो दीजिए बहुत जरूरी है, लेकिन बैलेंस रखिए, संतुलन रखिए, होश आवास मत खो दीजिए, अन्यथा सभ्यता डिप्रेशन में चली जाएगी, अवसाद में चली जाएगी, पीड़ा में चली जाएगी, और आपके पास फिर कोई इलाज नहीं रहेगा, आपको फिर साइकेट्रिक पैदा करेंगे डॉक्टर, मनोरोगी बढ़ जाएंगे समाज में, मनोरोगियों का इलाज करने वाले बढ़ जाएंगे, मनोरोगी बढ़ जाएंगे। इसलिए संस्कृति एक संतुलन पैदा करती है, क्यों, क्योंकि संस्कृति प्रयोजनातीत होती है, जैसे संगीत प्रयोजनातीत होता है, साहित्य जैसे प्रयोजनातीत होता है। साहित्य से आपको बहुत पैसा नहीं मिल सकता, संगीत जब आप सुनने जाते हैं तो आपको कुछ बहुत ऐसी चीजें नहीं मिलती, लेकिन समाज प्रयोजनों से नहीं चलता, ये मनुष्य की विशेषता है कि प्रयोजनातीत उद्देश्यों को जब प्राप्त करता है तो एक संस्कृतिवान मनुष्य बनता है। तो साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों, ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर बहुत बात कहने की, कैसे आदान प्रदान होता है सभ्यता और संस्कृतियों का, बहुत कहने की इच्छा होती है। आप कभी समझते हैं कि इस्लाम वाले जो लोग हैं हमको ऐसा लगता है वो हमेशा तलवार ही हाथ में रखते हैं, ऐसा नहीं है। नवीं शताब्दी में एक इब्ने मूसा अल खारिजी भी हुआ बड़ा गणितज्ञ, नवीं शताब्दी में मध्य एशिया अरब के आसपास वाले इलाके में, अल खारिजी भी नाम था उसका, इब्ने मूसा अल खारिजी भी, वो नवीं शताब्दी में उसने हिंदुस्तान के ग्रंथों का अनुवाद किया, आर्यभट्ट का अध्ययन किया, और आर्यभट्ट की जो जीरो है, शून्य है, वो उसने वहां पहुंचाई यूरोप में, और जब नवजागरण यूरोप में हुआ तो वहां उस शून्य की वजह से गणित का बहुत विस्तार हो गया, पूरा पूरा गणित का जो रास्ता था वो खुल गया, अन्यथा बंद हो गया था नौ पर आकर, एक दो तीन चार पांच छह सात नौ की संख्या आ गई थी, उसको आगे कहां ले जाए। तो आर्यभट्ट ने जो जीरो की आविष्कार किया था वो किसने भेजा, इब्ने सिना। इससे नई सभ्यता और नई संस्कृतियों का निर्माण हुआ, आदान प्रदान कैसे होता है। और बाद में जब महमूद गजनबी आया सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए, लूटने के लिए, तो उसके साथ एक अलबरूनी नाम का विद्वान आया वहां से, वो अलबरूनी एक संस्कृतिविद था, उसने यहां आकर संस्कृत के उपनिषदों का अनुवाद किया और यूनान के ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया। तो ये जो सांस्कृतिक, हमें ऐसा लगता है मुसलमान तो केवल यही करते रहे, ऐसा नहीं, और 17 साल हिंदुस्तान में वो रहा, और उसके मार्फत उसने किताबुल हिंद लिखी। आज नवीं और दसवीं साहित्य का जो इतिहास है, उसकी जो संस्कृति है, हम अलबरूनी के माध्यम से जानते हैं, और उनके जमाने में उसी का एक साथी दूसरा था इब्ने सिना, जिसने फिजिक्स में काम किया, जिसने खासतौर से बायोलॉजी में काम किया और जीवाणुओं की खोज की, उसका नाम इब्ने सिना था।
यूएनओ में अभी सिन्हा नाम से आज भी पुरस्कार मिलता है उसके नाम से। उसने एक अल कानून फितम नाम से अरबी में किताब लिखी जिसने 500 साल तक पूरे यूरोप में जो 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 ये एलोपैथी है इस एलोपैथिक चिकित्सा का संचार वो किया। तो मित्रों ये बहुत ज्ञान से मनुष्य एक दूसरे का कितना सहयोग करता है तब संस्कृति पैदा। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपकी यूनिवर्सिटी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा श्रोता दर्शक हृदयंगम करेंगे आपका बहुत बहुत आभार। आकाशवाणी समाचार पत्र कवि सम्मेलनों के मंच पर आप खूब जमते रहे लेकिन प्रकाशन के प्रति और जितने भी साथी गण कवि अजात शत्रु और जितने भी कवि मित्र यहाँ पे पधारे हैं वो केवल इसलिए कि किशन जी अब का लेखन अब निरंतर प्रकाशित होता रहेगा। अब मैं सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय कुलपति महोदय, उपकुलपति महोदय और जीवन सिंह जी, सभी विद्वत जनों को मंच पर जो आसीन है उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि किशन दाधेज जी की इस पुस्तक के बारे में मैं कुछ कह सकूँ। किशन दाधेज जी इतने सरल हैं कि उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि उनकी किताब का लोकार्पण होने वाला है। वो बस यही कहते रहे कि जीवन सिंह जी आएंगे, जीवन सिंह का व्याख्यान सुनेंगे हम लोग और वो बहुत अच्छा करते। मैं पहली बार सुनी इनका तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन किशन जी की बात मैं बता रही हूँ कि वो मतलब अपनी बात कभी बता ही नहीं रहे थे। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि पुस्तक मुझे मिली सुरेश शर्मा भाई साहब से और वो पुस्तक मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ लिख सकती हूँ और मुझे बड़ी छू गई। जैसा अभी कहा कि 75 साल में इनकी एक पुस्तक आई है तो ये हमारे राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का सम्मान है कि ये पुस्तक आई है और हम लोग इसके साक्षी बने हैं। और विशेषकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा इनसे जन्म का ही नाता है तो मैं इनकी बिल्कुल भतीजी कहना चाहिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तो मैंने जो लिखा है मैं आप लोग के सामने इस पुस्तक के विषय में बता रही हूँ। प्रसिद्ध गीतकार और रचनाकार किशन दाधीज के सद्य प्रकाशित कविता संग्रह गीत समय को पढ़ते हुए भारत की काव्यात्मक यात्रा को समझने का मौका मिला। गत 6 दशकों से लिख रहे किशन दाधीज ने वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों की संवेदनशीलता को गहराई से महसूस किया है। यही कारण है कि गीत समय में कविताओं की श्रृंखला पूरे चित्रों को पाठक के मन मस्तिष्क में अंकित कर देती है। लोक कलाविद, साहित्यकार एवं उदयपुर लोक कला मंडल के पूर्व निदेशक डॉक्टर महेन भानावत का कहना है कि किशन दाधीज ने अपना गेज नहीं बदला है, वो उसी गेज पे चल रहे हैं। डॉक्टर संगम मिश्र सर यहाँ बैठे हैं, सेंट्रल अकादमी संस्थान उदयपुर में चेयरमैन हैं। उनका कहना है कि स्वांतः सुखाए जीने वाले किशन दाधीज उनके प्रिय कवि हैं, उनको सुनना अच्छा लगता है। महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण के प्रति उनकी कविता तुम सती के आचमन की ये पंक्तियां आंधियों को स्वर दिया अभियान गीतों का तुम्हीने बिजलियों के पांव बांधे सृजन के घुंघरू तुम्हीने तुम प्रणय के चिर क्षणों में अर्चना की एक घड़ी हो।
तो कवि जो है वो धरती पर निसहाय लोगों के लिए गीत गाता है। उसका गीत जल युद्ध है, वह स्वयं इसका साक्षी। वो कहता है कि मनुष्य के संघर्ष को काटने वाले सत्य का साक्षी रहूंगा मैं। जैसे आज हम लोग इनकी किताब के साक्षी हैं कि आज हम लोग के सामने इतनी इनकी किताब आई है, तो ये भी इस जन युद्ध के साक्षी हैं। वो कहते हैं साक्षी रहूंगा मैं क्योंकि इस जन युद्ध में संजय की भूमिका तुम्हारी नहीं मेरी है। कितनी बड़ी बात कही है इसमें। कभी भारत की धरती पर होने वाले मनुष्य और मानवता के संबंधों और उनके संघर्षों के साक्षी हैं। इतने लंबे समय को कवि ने स्वयं से साझा किया है। अज्ञेय ने मानवीय व्यक्तित्व की व्याख्या में भाषा को अनिवार्य तत्व माना है। वे भाषा को माध्यम नहीं अनुभूति मानते हैं। अच्छी भाषा वे उसे ही मानते हैं जो भाषा और अनुभूति के अद्वैत को स्थापित करे। कवि किशन की भाषा में अनुभूति का जबरदस्त बंधन है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। कवि उस दौर से भी गुजरे हैं जब नई कविता और वामपंथी धारा की कविताएं भी परिवर्तन की प्रक्रिया में थीं और जनवादी कविताओं में जन जीवन की विभिन्न परिस्थितियों और विषयों को शब्दबद्ध किया जा रहा था। वर्ग संघर्ष, वर्ग हितों की पड़ताल, चरित्रलोचन, व्यवस्था का पर्दाफाश और व्यापक तौर पर समाजवादी यथार्थवादी दृष्टि से जन संघर्ष की वास्तविक अवस्थाओं और प्रक्रियाओं से जुड़ी संरचनाएं आ रही थीं। कवि मानते हैं कि गीत मनुष्य की संवेदना से जुड़ा उसके नैसर्गिक स्वभाव का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हर युग में मनुष्य को सींचता रहता है। कवि किशन के गीत की भाषा नव आधुनिक और स्वयं विकसित शैली शिल्प की विविध लहरें हैं जिसमें उतार चढ़ाव और सभ्यता संस्कृति परंपराओं के सुदृढ़ तट भी हैं। वे स्वयं आत्मकथ्य में लिखते हैं। गीत भारतीय काव्य की प्रमुख पहचान है। कवि की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह समाज में संस्कारों की प्रतिष्ठा करे और निर्माण की प्रक्रिया को तेज करे। कविता उसके लिए महज एक शौक नहीं है, अस्मिता की रक्षा करने के लिए वह वचनबद्ध है। 21वीं सदी में यंत्रवत होती जा रही जो आज जिंदगी है उसमें रस को बचाने के जो शक्ति है वह केवल गीत में है। रचना के प्रति प्रतिबद्ध कवि अपनी 40 कविताओं के संग्रह गीत समय में सभी युवा गीतकारों और कवियों को संदेश भी देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि आज भी हमारी लड़ाई जारी है। गीत समय में 3 लंबी गीतात्मक स्वभाव की लंबी कविताएं हैं जिसमें लड़ते हुए आदमी की छवि है जो लगातार लड़कर बुराई और अन्याय अत्याचार का प्रतिकार करता आ रहा है। यहीं से पाठक अंधकार और उजाले के साथ परिचय करता है और वर्तमान समय की सच्चाई को उजागर करता है। गीत समय का कवि मूलतः प्रगतिशील विचारों से अनुप्रेरित है। समाज के वर्ग, जाति, धर्मगत भेदों से ऊपर उठकर समानता का दम भरते रहते हैं। उनके गीत सामाजिक त्रास और विषमताओं के विरुद्ध चेतावनी के गीत हैं। उन सारी शक्तियों के विरुद्ध हैं जो लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर फांसीवाद का प्रचार करती है। पहली कविता का शीर्षक ही देखिए आप, प्रश्नमयी दोपहरी। जीवन की इस लंबी यात्रा पर ही प्रश्न उठाता है, टके हुए कितने भ्रम, जिंदगी मिली हमको यातना शिविर जैसी, गूंगों का मुक्ति बोध शाही खयाम नहीं। कवि स्वयं नीलकंठ है, आपको दिख भी रहा होगा। कवि स्वयं नीलकंठ है, वह चुनौतियों का सामना करता है। वो कहता है हम नीलकंठ हैं, गरल हमी से हारा है, हमने छूकर पाषाणों को स्वप्न दिए हैं, हम सागर की गहराई का राज लिए हैं, फिर क्यों बुदले पानी में नामे छोड़ रहे हैं, नई राह पर स्वर्ण पुरातन गंवा दिया हमने। कवि के विषय में वरिष्ठ साहित्यकार
जीवन सिंह जी ने स्पष्ट लिखा है कि किशन दाधीच अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छिपाते। उनका एक गीत गीत की गांव तक पदयात्रा, यह पदयात्रा ही उनके साहित्यकार की प्रतिबद्धता है। जिस बूंदी से किशन दाधीच का रिश्ता पिछली सदी के 8वें दशक तक रहा, जो उनकी पैतृक नगरी है, और बूंदी एक कस्बा जैसा ही है। बूंदी साहित्यिक ऊर्जा की धरती रही है, जहां साहित्यकारों, कवियों, पत्रकारों का तीर्थ स्थल है। पत्रकार लज्जा राम मेहता, ऋषि दत्त मेहता, भाषाविद डॉक्टर भोला शंकर व्यास, शहीद राम कल्याण आदि की कीर्ति गाथा अंकित है। तो उनकी संवेदनशीलता से भरे गीत जो हैं, वो बूंदी की धरती से होकर ही यहाँ तक आते हैं। कवि किशन दाधीच शहरी सदी को आंकड़े की सदी कहते हैं। गीत के माध्यम से इस समाज के उबड़ खाबड़ यथार्थ को व्यक्त करना बहुत कठिन है, लेकिन कवि ने गीत के माध्यम से यह काम बहुत सलीके से किया है। मानवता के विकास और उन्नति के लिए कवि के लिए जो गीत रचनाएं हैं, उसे मनुष्य का मन मस्तिष्क सहज ही अपना लेता है। गीत समय काव्य संग्रह कवि का पहला काव्य संग्रह नई दिल्ली और हैदराबाद के प्रसिद्ध प्रकाशक नीलकमल पब्लिकेशन के सुरेश चंद शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया है, और कीमत भी मैं बता देती हूँ, 300 रुपये है। और प्रथम संस्करण है इसका 2021 में आया है। पुस्तक का आवरण जो है वो बहुत ही आकर्षित है, डॉक्टर श्रीनिवास अय्यर द्वारा अंकित किया गया है, जो कलम की कहानी में निहित रस रंग और संगीत की स्वर लहरी का आह्वान करते हैं। तो अभी भी हम भरोसा कर सकते हैं कविताओं पर, साहित्य पर, जो समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आशा की किरणें जगाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर संगम मिश्रा हमारे बीच में है, और उन्होंने भी इस पुस्तक पर लिखा है। कृपया वो अपना वक्तव्य 2 मिनट के लिए पधारें और वक्तव्य। उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, विगत 40 वर्षों से श्री किशन दाधीच हमारे प्रिय मित्र और हमारा संबंध रहा है। मेरी जब शादी भी नहीं हुई थी, मुझे कविता सुनने का बड़ा शौक था। कहते हैं सृजन करने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन कला बोध जरूर है। मैं उन दिनों को याद करता हूं जब सरदारपुरा वाले हमारे संस्थान में कृष्ण कुमार सौरभ भारती जी, पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी, किशन दाधीच जी, डॉक्टर महेंद्र भावनावत जी, और कभी कभी नंद बाबू भी आ जाया करते थे, और कई सारे युवा कवि। उस समय कवि गोष्ठियां होती थी, आनंद आता था और मुझे सुनने में मजा आता था। शायद नहीं खिला है कोई अब तक सुमन कनेर में, इसीलिए आवाज लगाई तुमने इतनी देर में। आज भी मुझे वो पंक्तियां याद हैं उनकी। और ये गीतकार बहुत अच्छे, गीत गाते बहुत अच्छे हैं। जब गाते थे तो इतनी तन्मयता के साथ, बहुत ही सहज सरल और सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हैं ये। मैंने इनको अक्सर छेड़ता रहता था, कहता रहता था। इन दिनों जब 1.5-2 साल व्यस्तता की वजह से मैं भी व्यस्त रहता था, ये भी व्यस्त रहते थे, तो समय मिला
तो मैंने इनको कहा कि आपके पास इतनी सारी कविताएं आपने लिखी हुई है स्वांत सुखाय, कभी आपने इसको छापने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया। और मैंने कहा कि मैं छाप करके, आप अगर आप नहीं मानेंगे तो भाभी जी से मैं वो कविताएं लाऊंगा और छपा करके भिजवा दूंगा आपके। मैं एक बार बहुत नाराज हो गया, हमने कहा कविताएं ठीक है आपने सांता सुखाए लिखी है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां जो कालजयी कविताएं हैं, जो अच्छी कविताएं हैं, जो आपने गीत लिखे हैं, उसको उसका प्रकाशन होना बहुत आवश्यक है। और आज गीत समय आपके सामने है, और पूरा गीत समय नहीं, पूरा भंडार है कविताओं का। आने वाले समय में बहुत सारे गीत समय आएंगे, बहुत सारी कविता संग्रह आएंगे, बहुत सारे काव्य संग्रह आएंगे। मैं एक बार बहुत सारी बधाइयां देता हूँ माननीय किशन दाधीच को, हमारे जो प्रिय मित्र हैं और बहुत वर्षों से हमारा साथ रहा है। तो मैं इनको दबाव से, बहुत दबाव बनाया कि आप कविता को जरूर छपवाएं, और सुरेश जी से चाहते थे कि अच्छे नील कमल जैसे प्रकाशन इनके कविता छापें। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो आए और कविता का गीत समय हमारे सामने है। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, बहुत सारे वक्ता हैं, बस मेरी भावनाएं थी कि ये इनकी कविताएं छपें। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस अवसर को पा करके। मैं यहाँ के श्री माननीय श्री सारंग देवल साहब का, प्रोफेसर जानी जी का, और उपस्थित जितने साहित्यकार, रंगकर्मी, मूर्धन्य रंगकर्मी, साहित्यकार और कलाकर्मी हैं, उन सभी का मैं बहुत ही आदरपूर्वक उनका अभिनंदन करता हूँ। और एक बार पुनः आदरणीय श्री किशन जी को बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। में विभिन्न राज्यों में आप स्कूली शिक्षा का को क्रम, धन्यवाद। अब मैं राजस्थान के सांस्कृतिक राजदूत मिश्री साहब, कुलाधिपति महोदय गुजर साहब, जीवन सिंह जी, वसुंधरा जी, श्री सुरेश शर्मा जी और मंच पर विराजे विशिष्ट जन, और आप सभी को मेवाड़ की इस वीर और विद्वत धरती को नमन करता हूँ। मैं किशन दादी जी का आभार तो नहीं व्यक्त करना चाहता, क्योंकि मित्र कभी आभार व्यक्त नहीं करते, लेकिन बड़ी इच्छा थी कि किशन दादी जी का ये संग्रह छपे। आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति 50 साल से ऊपर समय से लिख रहा हो और उदयपुर और मेवाड़ की धरती को अपने कर्णप्रिय गीतों से, अपनी संवेदना युक्त कविता से गौरव प्रदान करवाया हो, और उस व्यक्ति का अनायास ही एक ग्रंथ गीत समय, मेरे ख्याल से उन्होंने तो नहीं छुपाया ये, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। लेकिन जब लेखक कोई चीज लिख देता है तो फिर वो उसकी थाती नहीं होती है, वो समाज की थाती होती है। तो ये समाज का आग्रह था, समाज की पूंजी है जो समाज तक जाए। अभी कहा गया कि स्वांत सुखाय, मैं नहीं मानता, कोई भी लेखक स्वांत सुखाय लिखता ही नहीं है। हाँ, वो खुद आनंद के भाव जरूर लेता है,
लेकिन लिखने के लिए उसे समाज ही प्रेरित करता है, स्थितियां प्रेरित करती है उसे। वो क्यों लिखे? वो लेखनी का स्वर, वो शब्द की सृजना क्यों है? ये पान की दुकान खोल सकते थे, क्यों साहित्य लिखना पड़ा इनको? मैं क्यों ड्रामा करता हूं? मैं कोई और काम कर सकता था, लेकिन ये एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स जो है, जो अभिव्यक्त करना है, ये समाज की पीड़ा और स्थितियों का चित्रण करना होता है। आज बहुत ही बेहतरीन विषय रखा और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस महान प्रतिष्ठान, जिसके बारे में बड़ा कृष्ण जी समय समय पर बताते रहते थे, जनार्दन राय नागर विद्यापीठ के बारे में, मेरी इच्छा थी कि मैं इसके प्रांगण में आऊं, तो ये मौका मुझे कृष्ण जी ने दिया कि मैं ऋषि साहब के कुलाधिपति महोदय के और आप सभी के लोगों के दर्शन कर पाया। अभी जब मैं अंदर आया तो फैकल्टीज के अलग अलग बोर्ड देख रहा था मैं, और मुझे जो इनर डिसिप्लिन जो यहाँ नजर आया वो ऐसी यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजों में मिलता नहीं है। तो अभी सरसरी दृष्टि से जो देखा, और इस तरह की साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित करना किसी विश्वविद्यालय में, क्योंकि औपचारिकताएं भर होती है, लेकिन जीवंत गोष्ठी देख रहा हूं मैं आपके तत्वाधान में यहां पर, जो समाज, साहित्य और संस्कृति, इस विषय को लेकर यही चुनौती हमारे सामने है। आज समाज कहां है? तो समाज की हम कल्पना करें तो उसका जो चेहरा है, उसका दायां और बायां है, वो संस्कृति और सभ्यताओं से निर्मित होता है। जीवन सिंह जी ठीक कह रहे थे बार बार, उनकी पीड़ा थी कि आज सभ्यता अतिक्रमण कर रही है, और जो संवेदना संस्कृति का मूल भाव है, संस्कृति का मूल भाव संवेदना है, वो आदमी से कहीं दूर हटता जा रहा है। आप देखेंगे कई बार सड़क पर एक स्कूटर किसी गाड़ी से टकरा गया और हम देखते पर चले जाते हैं या खड़े खड़े वीडियो बनाते हैं, उसको उठाते नहीं। ये जो संवेदनहीनता जो हम में आ रही है, या धर्म के बारे में हम जानते ही नहीं और धर्म की बात करना शुरू कर देते हैं हम लोग, ये हमारी मानसिकता के साथ कुछ खेला खेला जा रहा है। ये समझना पड़ेगा। आज सभ्यता की इस तेजी की गति के साथ, आईटी के युग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, आदमी इतना अकेला हो गया है कि वो मोबाइल के साथ चैट में आनंद लेता है, व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करता कि ठीक ठीक इस तरह फिर मिलेंगे, है ना, वो जाके पानी में जब वो चैट करने लग जाता है। ये जो आईटी की टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन जो व्यक्ति को व्यक्ति से अपने आप से काट दे, तो संस्कृतियों का पतन वहीं से शुरू होता है। अपने आप से कटना, अपने से संवाद बंद कर देना, जब अपने से ही संवाद नहीं होगा तो कौन सा समाज और किसका समाज? तो ये समाज में जो विघटन की स्थितियां बन रही है लगातार पिछले 10-15-20 सालों में, और ये अंतर्राष्ट्रीय विसंगति है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी मानसिकता के साथ खेला जा रहा है, जिसको समझने का वक्त हमारे पास नहीं है। क्योंकि हर माँ बाप इतना व्यस्त है पार्ट टाइम काम करने के बाद भी, कि उसको पता नहीं उसकी लड़की कहां जा रही है ट्यूशन करने के नाम पर, वो बच्चा उससे जो पैसे ले जाता है स्कूटर चलाने के नाम पर, वो क्या करता पता ही नहीं, और वो झूठ पर झूठ बोले जाता है, और ये झूठ की संस्कृति जो खड़ी हुई है, ये संस्कृति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि संस्कृति आनंद की अनुभूति कराती है और सभ्यता सुख देती है। तो हम सुख की ओर जा रहे हैं, आनंद की ओर से कट रहे हैं। तो ये आनंद की अनुभूति जो है, उसकी ओर लौटना ही होगा। बहुत लंबा विषय है, उस पर बोला जा सकता है, लेकिन ये चुनौती बहुत छोटी नहीं है, इसे हमें समझना होगा। मैं किशन जी से, मेरे 50 साल पुराने रिश्ते हैं, किशन जी के निमंत्रण पर, वैसे मैं इस तरह की गोष्ठियों से बचता हूँ, तो उनका आदेश था मेरे लिए, मेरे बड़े भाई हैं,
कि आइए बैठेंगे, आपको आनंद आएगा। तो विद्वान जनों की नगरी और इस पवित्र प्रांगण में आकर मुझे बहुत ही आनंद मिला और दो शब्द में इस मौके पर कह सका, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जीवन सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनको मैं सिर्फ फेसबुक पे पढ़ता था, आज पहली बार उनको व्यक्ति से सुनने का मौका मिला। मैं जानता था कि वो इतने बड़े चिंतक हैं और इस प्रांगण में वो आए किशन जी के निमंत्रण पर। फिर कभी मौका मिलेगा इस तरह की चिंतन की लंबी अपन बातें करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा सुरेश जी शर्मा से, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक हैं और हजारों पुस्तकें प्रकाशित की है शिक्षा क्षेत्र की, लेकिन साहित्य की पहली पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पधारे, अपना वक्तव्य प्रदान करें। सभी तरफ से उच्च विचार आते, लेट द नोबल थॉट्स मे कम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। मंच पे आसीन सभी महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकार, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली और अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस झील की नगरी उदयपुर में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय मैं कर्नल प्रोफेसर सहल देव जी को, विशेषकर संगम मिश्रा जी को, उग्रसेन जी को और किशन दादी जी को देता हूँ, जिन्होंने गीत समय ये पुस्तक प्रकाशन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अभी रमेश गुराम जी कह रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, आज का युग कंप्यूटर इरा कहते हैं, जहाँ नॉलेज और टेक्नोलॉजी का विस्फोट एक्सप्लोजन किया जाता है। और तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मनुष्य तन भावा, बड़े भाग्य से ये तन हमको मिलता है। और हर व्यक्ति कोई उद्देश्य जीवन में होता है इस पृथ्वी पे आने का, और हर व्यक्ति अपना अपना एक क्षेत्र चुनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई क्रांतिकारी कविता लिखता है। और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अवेकनिंग द जीनियस, जो प्रतिभा जो व्यक्ति में छुपी है उसको उभारने का एज ए पब्लिशर। पब्लिशिंग ऐसा नहीं है कि किसी ने किताब दिया और हमने छाप दिया, ये बिल्कुल एक क्रिएटिव फील्ड है, सुजरात तक जिसे कहते हैं हम। तो ये माँ सरस्वती कृपा है कि इस क्षेत्र में हमें मौका मिला है और नीलकमल प्रकाशन से हमने अभी तक 1000 पुस्तकें छापी है, विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में। क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षा एक ऐसा है जो देश की प्रगति और उन्नति में काफ़ी योगदान रखता है। और आपको पता है शिक्षा का स्तर आजकल कहाँ जा रहा है। एक प्रयास हम कर रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से देश समाज सारा एक ऐसे उस पे उच्च स्तर पे पहुँचे कि जिससे हमें काफ़ी वो लगे। इसके अलावा हमने दो मैगजीन हम लोग प्रिंट करते हैं, एक एडोट्रैक्स जो 21वें साल में है, मंथली मैगजीन है टीचर्स के लिए, और जो नेशनल इंटरनेशनल जो पान इंडिया कंट्रीज है, बांग्लादेश जाती है, पाकिस्तान जाती है, श्रीलंका जाती है, मॉरिशस जाती है, काफ़ी लोगों उसको पसंद करते हैं। और इट इज़ ए नॉन, इसमें हमने कोई कमर्शियल ऐप नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ये भाग्यशाली समझते हैं कि माँ ने एक ऐसा अवसर नहीं दिया है, माँ सरस्वती ने, कि एक ज्ञान टीचर तक पहुँचाए। तो ये प्रयास हमने किया है। और एक और हमारी जर्नल है, जर्नल ऑफ कम्युनिटी गाइडेंस एंड रिसर्च, जो 38 साल से आ रही है और इंटरनेशनल जर्नल है, और वो भी साल में 3 बार हम प्रकाशन करते हैं इन इनके बारे में। और उसके अलावा काफ़ी जो इंटरनेशनल फेयर्स होते हैं,
लंदन बुक फेयर हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, उसमें हमारा वहाँ प्रेजेंस होता है। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो छुपे हुए अणु हैं, छुपे हुए रत्न हैं, उसको उभार लाने की। उग्रसेन जी ने अभी कहा था कि किशन दादी ने 75 वर्ष में किताब निकाली है। मैं कहता हूँ किशन जी, कलयुग में अल्प आयु होती है। अल्प आयु का मतलब होता है 125 साल। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखिए होता क्या। और एक और बात मुझे ध्यान में आई है कि सारणी देवी के बारे में। मैंने जब प्रांगण में यहाँ आया तो मुझे एक ऐसा वातावरण दिखा जिससे काफी मुझे हर्षोल्लास की अनुभूति हुई है। मुझे प्राचीन काल के सारंगियों की याद आ गई जो संगीत रत्नाकर की रचना की थी, और वो नाट्य शास्त्र संस्कृत में लिखा था उन्होंने। सारंगदेव जी, आपके बारे में मैं कह रहा हूं मैं कि आपने कैसा इतिहास रचा था पिछले जन्म में, उसके बारे में मैं कह रहा हूं कि संस्कृत में संगीत रत्नाकर की आपने रचना की थी और नाट्य शास्त्र पे है, जिन्होंने कर्नाटक और हिंदुस्तान क्लासिक म्यूजिक का निर्माण किया, ये श्रेय आप ही को जाता है पिछले जन्म में। और आज यहाँ के कुलपति आपको, और ये हमारा सौभाग्य है और इस विश्वविद्यालय ने ये मुझे अवसर दिया है, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। किशन जी, अभी आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम सभी लोग यहाँ हैं। वसुधरा जी ने कितना अच्छा लिखा है, लेकिन एक चीज बता दो, पुस्तक इन्होंने वसुधरा जी को नहीं भिजाई है, मैंने इनको बगैर पूछ के वसुधरा जी को भिजाई है। और शंकर मिश्रा जी की प्रेरणा बहुत रही है, क्योंकि देखिए एक कथा, डेल कार्नेज एक अच्छे ये हुए पब्लिक मोटिवेटर स्पीकर, किसी ने पूछा कि वेयर इज द रियल ट्रेजर, उन्हें कहा द रियल ट्रेजर इज इन ग्रेव यार्ड, स्मशान भूमि में। लोग बोले भैया ये तो पगला गया, ये क्या कर रहा है। उसको पूछे कि भैया उसको जरा विस्तार करिए आप, तो कहते हैं मनुष्य जब जन्म लेता है और उसके जो जीवन काल है काफी अनुभूति, काफी ज्ञान, काफी वो संचय करता है और वो समाज तक नहीं पहुंचाता, और जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है वो सील पीस सीधा वहीं चला जाता है जिसका उन्होंने उल्लेख किया। तो हमारा सौभाग्य है कि किशन जी ने जो भी लिखा है, और रमेश गोरण जी कहा कि ये प्रॉपर्टी समाज की है, आपकी नहीं है। किशन जी, आपसे पुनः आग्रह है कि जो भी आपने कृति की है, क्योंकि अगर आप छुपा के रखते हो तो मतलब समाज के लिए आप एक अन्याय कर रहे हो। जो आप में जो क्रांतिकारी भावना है, जो आप समाज को संदेश देना चाहते हो, पुस्तक एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप सभी तक पहुंचा सकते हो। और आपको मैं, वर्ल्ड बुक फेयर शुरू हो रहा है 6 जनवरी को दिल्ली में, आप सभी को आमंत्रण करता हूं, उसका मैं एक वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर हूं। और वहां हमारे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसमें हम लोग काफ़ी पब्लिशिंग के बारे में, ऑथर्स के बारे में, क्रिएटिव बारे में काफ़ी सेमिनार्स वगैरह करते हैं। और कैपेक्सिल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसमें मेरा भी कुछ योगदान है। और आज ये मौका इस पावन धरती, इस वीर भूमि में मुझे अवसर मिला है, इसके लिए मैं जनार्दन नगर राक्षस विद्यापीठ एवं किशन दादी जी और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। आभार सुरेश जी, जिसका संकल्प लिया है वो शीघ्र पूरा हो, धन्यवाद, आभार। अब मैं किशन जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रतिसाद दें और विचार और साहित्य की सभा के अध्यक्ष कर्नल प्रोफेसर SS सारंग देव साहब, आज की सभा के मुख्य अतिथि, जो केवल
10 मिनट की मीटिंग में मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया कि मैं आऊंगा। जब भी कोई साहित्य का कार्यक्रम होगा तो मैं आऊंगा। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति ज्यादा कृतज्ञ हूं कि उनसे कोई बहुत पुरानी पहचान न होने के बावजूद उन्होंने मुझे किंचन पर इतनी कृपा करी और इस सभा को शायद ये ज्ञात न हो। मेरे लिए भी ये रहस्य ही रहा, उसी दिन खुला। संगम मिश्रा जी, रमेश जी, जानी साहब गुजराती के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इनको पिछले वर्ष केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कार किया गया, अनुवाद किया। मैं उनका इस मंच पर एक लेखक के नाते, एक साहित्यकार के नाते अभिनंदन भी करता हूं। उनकी उपस्थिति के दूसरे मायने भी हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। रमेश बोराना जी 50 साल के मित्र हैं मेरे। हमने मिलके बहुत उछल कूद की, बहुत उछल कूद की, चर्चा बनाई, राजस्थान कला साहित्य संगम बनाया, युवा साहित्यकार परिषद बनाई, यानी क्या क्या किया है राजस्थान में। वे कला जगत के बड़ा नाम है, वो NSG तक जाते हैं, वो राजस्थान संगीत अकादमी के 3-3 बार अध्यक्ष रहे हैं और पिछले टर्म में राजस्थान सरकार के सांस्कृतिक सलाहकार रहे हैं। और अभी तो समय शेष है, आगे क्या हो जाए 8 दिन में पता नहीं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ प्रिय भाई का। संगम मिश्रा जी से तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, पारिवारिक ताल्लुकात हैं। वो कई बार भावनाओं में बोलते हैं, भावनाओं का एक आवेग, और तो मुझे देखते ही और मैं उन्हें देखते ही न जाने कैसा क्या हो जाता है मेरे। लेकिन वो आए। मैंने सारण देव साहब को कहा था कि आज शायद बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कई जगह कम देखे जाते हैं। गुजर साहब मेरे प्रिय, अनुज दादी साहब और वसुंधरा मिश्र, जिन्होंने रविंद्रनाथ और माँ श्वेता देवी और अनेक साहित्यकारों का जो बंगला से हिंदी में अनुवाद किया, वो बड़ी लेखिका है बंगाल की, हिंदी में उनका बड़ा काम है। और मुख्य बात यह है कि वो एक ऐसे घराने से आते हैं जो शास्त्र का घराना है, जो व्याकरण का घराना है, जो साहित्य और संस्कृति के प्रबोधन का घराना है। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत आदर और अभिनंदन करता हूँ कि वो आए यहाँ, कलकत्ता से चल के आए इसी कार्यक्रम के लिए आए और लिखा भी किताब पर। और हमारी किताब किताब का तो हमारा कभी इरादा ही नहीं रहा, श्रीनिवासन अय्यर ही पीछे पड़े रहे और फिर उन्होंने ही जबरदस्ती एक स्केच बना के दे दिया और क्या हुआ खुद पता नहीं। लेकिन वो यहाँ आए हैं तो उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सुरेश शर्मा जी तो कुछ ज़्यादा ही बोल गए। सुरेश शर्मा जी का साम्राज्य मैंने देखा है। मैं पिछले दिन हैदराबाद गया था। ये दक्षिण के बहुत बड़े पब्लिशर हैं और ये केवल किताब नहीं छापते, साहित्य और संस्कृति की अनेक मैगजीन छापते हैं जिनसे कोई आय नहीं होती।
शिक्षा का बहुत बड़ा काम करते हैं। इनके यूके और यूएस और पुणे और मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ दफ्तर है, दिल्ली में इनका बहुत बड़ा दफ्तर है। हम लोग उत्तर भारत के लोग हैं, हम दक्षिण के लोगों को नहीं जानते। उत्तर भारत में हमको ये राजकमल और वाणी और जाने क्या क्या नजर आते रहते हैं, दक्षिण में अकेला एक नाम है नीलकमल। वो मेरे इस छोटे से आग्रह पर न्याय है, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जीवन सिंह जी के बारे में तो क्या कहूँ, वो तो मेरे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जीवन सिंह जी तो मेरे 50 वर्षों के मेरी रग रग में बसे हुए हैं, बल्कि मेरे शैशव के साक्षी भी हैं। उनसे एक पारिवारिक रिश्ता भी है, अनेक प्रसंग हैं उनके साथ के, उनका मैं स्वागत करता हूँ और उन्हें बार बार सुनने की इच्छा होती है। जब वे बोलते हैं जैसे सूत्र बोलता है कि संस्कृति का निर्माण दुख में होता है, जैसे वेद में वाक्य कहे जाते हैं उस तरह से बोलते हैं, तो मनुष्य के लिए ही संस्कृति होती है, तो सही। खैर, आप सबका स्वागत। और जहाँ तक दूर दूर तक नजर जाती है, रामदयाल जी, ज्योतिपुंज जी, मेरे प्रिय जगदीश जी, श्रीनिवास अय्यर जी, बहन रागिनी, अनुजी है वो तो हमारा आजाद शत्रु हृदय का लाडला, और अनेक मित्र लोग जो इस सभा में, किरण बाला भी दिखाई दे रही हैं, और मैं तो अब चला भी जाऊँ तो कोई ज़्यादा गम नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ आ गए, इतने तो लोग कभी देखे ही नहीं जाते। आप सबका स्वागत, आपका अभिनंदन। विजय मारू भी यहाँ है, उनका भी स्वागत। इतिहास इस बात का गवाह है, आप 1000 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब सभ्यताएं नष्ट होने लगी, प्रेम और करुणा का संसार ध्वस्त हुआ, समाज में विखंडन हुआ, भाईचारा खत्म हुआ, उसे किसी राजा या फौज ने नहीं बचाया। वो या तो कोई संत होता है या कोई कवि होता है, जो अपने विचार से, अपनी कविता से, अपनी रचनात्मकता से ऐसा दृश्य उपस्थित करता है कि लोग परिवर्तन की आकांक्षा करने लगते हैं। समय फिर बदलता है, दुनिया फिर समझती है, नई सुबह होती है, और एक नई समय का सूत्रपात होता है। ये काम केवल एक रचनाकार करता है, एक लेखक करता है, कोई फौज या साहित्य और या राजा नहीं करता। किताब के बारे में बहुत सारी बातें हुई, और चूंकि मेरी पहली किताब थी और लोग ये कहते ही रहे कि किताब क्यों नहीं आ रही है, तो मैंने एक पेज तो केवल इस पर ही लिखा कि किताब क्यों नहीं आ रही। दरअसल व्यक्ति के ऊपर उसकी संगति का बहुत प्रभाव होता है कि वो किनके साथ रहता है। मैं आप अन्यथा न ले, मुझे थोड़ा याद करो। सामान्यतः किताबों में आत्मकथ्य नहीं होता, मैंने इसमें लंबा चौड़ा आत्मकथ्य लिखा है। वही शायद मेरे पूरी रचनात्मकता का सार भी है। बहुत कुछ है, मैं इसका एक आखिरी पैरा पढ़ता हूँ और फिर आगे बात करूँगा।
मेरी संगति जिन कवि मित्रों की रही वे रचनात्मकता के अनेक लक्षणों से जाने गए। कविता का सामाजिक सरोकार उनके जीवन व्यवहार का भी हिस्सा रहा। वे लोग अपने समय के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़े रहे। कुछ का साहित्य प्रकाशित हुआ, कुछ का अप्रकाशित रहा, लेकिन वे अपने समय के महत्वपूर्ण संस्कृति कर्मी रहे। किताब इस दौर में बाजार के सर्वाधिक निकट है। मुझे मेरे मित्रों ने कहा, इतना खारा क्यों लिखा? किताब इस दौर में बाजार के सर्वाधिक निकट है। इससे यश और अर्थ दोनों की प्राप्ति होती है। सम्मान पुरस्कारों के प्रबंधन और अपयश के लेखे जो के आम हैं। कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों की साख गिरी है, इसलिए किताब मेरी प्राथमिकता में कभी नहीं रही। यह किसी छपे हुए अक्षर से प्राप्त अनुभूति के सुख के सिवाय कुछ नहीं। बहुत सारी बातें हैं, एक पेज ही इस पर लिखा है, किताब क्यों जरूरी नहीं है। किताब तो बहुत देर से आई, 100 साल तो किताब कंठ में ही रही। कहां थी किताब? वेद की ऋचाएं, वेद तो सारे कंठ में थे, फिर छालों में आए, फिर कागज का निर्माण हो गया तो कागज में आ गई। जो आपकी रचनात्मकता है वो किताब में आ गई, लेकिन इसकी आयु क्या है? अब तो ई बुक आ गई है, किताब जा रही है दुनिया से, ये 10 वर्ष से ज्यादा नहीं रही। अब इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना, अब ई बुक आ गई। ये जरूर है कि संग्रह होना चाहिए, लेकिन उसका रूप बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो किताब का रूप तो बदलता रहा है। अब हमने इसको एक स्थायी किताब मान लिया है तो ये तो क्षमा करें, जरूरी कहीं सम्मान पुरस्कार में देने के लिए तो हो सकती है, और जिसको इसकी लालसा ही नहीं हो उसके लिए क्या जरूरी। इसलिए पिछले दिनों ये 6 महीने का ही उपक्रम रहा, संगम मिश्रा एक दिन नाराज हो गए, इन्होंने बोलना ही बंद कर दिया, किताब छपेगी तो मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो मित्र तो नहीं खोया जा सकता ना, एक किताब के लिए एक मित्र को नहीं खोया जा सकता। फिर हमने तैयार किया, और इस बीच में कुछ दूसरी घटना भी हुई, दुर्घटना भी हो गई थी, मेरे पांव का फ्रैक्चर हो गया था, तो 6 महीने पड़े ही रहे। जीवन सिंह जी से लंबा संवाद है, 1975 का रिश्ता है। इन्होंने कहा, अब क्या कर रहे हो, किताब ही तैयार करो। तो इस तरह का एक मिला जुला प्रयोजन रहा सबका, सब मित्रों की का आग्रह रहा, किताब तैयार कर दी, और 3-4 किताबें तैयार कर दी, दूसरी और जा रही है, तीसरी और जाएगी, लेकिन कभी हमारी इस प्रकार की आकांक्षा नहीं रही। उग्र सेन तो बहुत दिनों से पीछे ही पड़े हुए थे कि खंडकाव्य तैयार है, उसको भेजो, उसको रवा दो। खैर, अब आपका आशीर्वाद रहा तो दूसरी भी जल्दी ही आ जाएगी। इसमें आत्मकथ्य है, वो लंबा चौड़ा है, वो पूरी रचनात्मक यात्रा के बारे में ही है।
सामान्यतः किताबों में आत्मकथा की कमी रहती, कविताएं तो होती है। मैं उस तरह का गीत तो नहीं, उस तरह की कविता तो नहीं लिखता, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हो आप? इन फुटपाथों पर, इन अपराधी फुटपाथों पर मेरे दिया रखी। अरे फिर एक प्रसंग और सुना देता। उस प्रसंग के बाद कोशिश करूंगा करता पर, लेकिन वो बहुत भावुक प्रसंग है। उन्नीस के आसपास पूरे देश में प्रेमचंद जी का शताब्दी वर्ष मनाया गया था। ये बहुत भावुक क्षण है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि व्यक्ति को अपनी स्मृतियां अंकित करनी चाहिए। उन्नीस सौ अस्सी पूरे देश में आयोजन हो रहे थे। वो छोटा प्रसंग है, विशेष साहब आप खास तौर से इसको, मैं 5 मिनट में खत्म करूँ। वो पूरे देश में आयोजन हो रहे थे। विद्यापीठ तो विश्वविद्यालय था नहीं, यहाँ के विश्वविद्यालय ने प्रेमचंद जयंती आयोजित की। अमृत राय उसमें आए थे, उग्रसेन राय राव उस लड़ाई के साक्षी हैं, ये यहाँ बैठे हैं अभी। मुझे वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, मैंने वो कार्ड देखा था, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत बेचैनी रही रात भर कि जो व्यक्ति मुंशी प्रेमचंद की वसीयत का पात्र है, जिसका उल्लेख गोदान की भूमिका में है, हंस में जिसके बारे में प्रेमचंद जी ने कई बार लिखा है, वो जनार्दन राय नागर इस पूरे कार्ड में कहीं नहीं है और इसी नगर में आगमन हो रहा है। इससे ज्यादा दुखद और क्या है? मैं उस कार्यक्रम में नहीं था। शाम को जन्म भाई के यहां था, मैंने कहा प्रेमचंद जी ने हंस में ये लिखा कि जिनू और जैनेन्द्र मेरी वसीयत के दो पात्र हैं, तो सब जगह जैनेन्द्र जा रहे हैं, जनू कहाँ है? कृतज्ञ है वो नगर जहां ये दो बैलों की जोड़ी हीरा मोती की नहीं है, एक जोड़ी से क्या हो रहा है? जनू भाई कुछ नहीं बोले। 80 की बात, कुछ नहीं बोले, लेकिन वो मुझे मानस पुत्र कहते थे। बहुत कृपा थी उनकी मेरे ऊपर, मैंने उनकी आंखें पढ़ ली, मैंने उनकी नमी भी देख ली। मैंने कहा आप कुछ न कहें, आपका बड़प्पन है तो मैं उड़ा दूंगा इनको। आ गया, घर आ गया, नींद भी नहीं आई रात भर। सुबह 10 बजे साहित्य संस्थान के निदेशक देवीलाल जी पालीवाल का फोन आया। उन दिनों लैंडलाइन ही हुआ करते थे। दादी साहब कहाँ हो? मैंने कहा घर ही हूं।
कि जनवाई का एक आदेश आया है कि विद्यापीठ प्रेमचंद जनशताब्दी समारोह मनाएगी और उसके संयोजक किशन दाधीच होंगे। वो प्रेसिडेंट थे उस समय। मैंने कहा ये तो सीधी सीधी लड़ाई है भाया, तिथियां एक है, वहां ऑलरेडी कुछ हो रहा है। और जनू भाई ने थोड़ा सा आगे बढ़ा देते समय तो ठीक रहता। बोलते नहीं थे लेकिन खैर जो भी हुआ, मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां कोई नहीं गए और हमारे जनशताब्दी समारोह में 3 दिन तक 100 लेखक आए। ये प्रेमचंद जनशताब्दी का पराक्रम जनू भाई का ही था। अज्ञे जी को, कई लोगों को उनसे फोन करवाए, बहुत सारे लोग आए। नामवर सिंह उसके मुख्य वक्ता थे, बहुत लोग आए। राजीव सक्सेना आए, भगवत शरण उपाध्याय आए, कई लोग। ये नगर 3 दिन तक सांस्कृतिक नगर सभा रहा है। और जनू भाई ने मुझसे कहा प्रेमचंद जयंती मनाने की नहीं है, हम क्या मनाएंगे प्रेमचंद की जयंती, जनशताब्दी समारोह मनाएंगे। वो विद्यापीठ में आ गया, तुम कब, मैं तुम्हारे साथ थी। फिर हमने किया, ये जानते हैं। उसके बाद तो बहुत मान मनोबल भी हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन वो दिनों तक मुंह भी छिपाते रहे लोग, लेकिन हमने किया। जब समापन उद्बोधन जनू भाई ने दिया, जनू भाई बहुत भावुक हो जाते थे, बोलते थे तो मन से नीचे उतरे। मैं संचालन कर रहा था, मेरे कंधे पे हाथ धरा, विद्यापीठ तेरी है, इसको छोड़ना मत। जनू भाई आप कहां हो? मैंने विद्यापीठ को नहीं छोड़ा, और ये वचन देता हूं जब तक जीवित हूं तब तक जुड़ा रहा। ये घटना याद आ गई मुझे, और भी कुछ छोटी मोटी बहुत सारी घटनाएं हैं। कभी जनू भाई पर स्मृति ग्रंथ की रूपरेखा बने तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है। कविता का आग्रह है, अधिक समय नहीं दूंगा, उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया। एक कविता सुना देता हूं। ये कविता है गीत समय, इस संग्रह का नाम भी गीत समय है। गीत समय का तात्पर्य मैंने इसमें खोल दिया है, कुछ समय के गीत ऐसा नहीं है। गीत में समय किस तरह से आता है उस तरह का। फिर एक छंद गीत का भी पढ़ दूंगा जैसा वो कहता। समय बहुत तेजी से भागता है, उसी पर ये करता है। समय तुम रुके क्यों नहीं, तुम नहीं जानते तुम्हारे चले जाने के बाद इस रिक्ताभास में मैंने हिनहिनाते घोड़ों की टापे सुनी। ग्रीष्म ऋतु में कोल तार की तरह गलने लगी है श्रम की ऋचाएं, और शब्द अपनी समस्त ऊर्जा के बावजूद शीत में जमने लगा है। ऋतुओं का ये एकाएक स्थिर हो जाना
और तुम्हारा साक्षी नहीं रहना। दोनों ही विडंबनाएं इस शताब्दी के आदमी ने देखी। कब कपाती हवाओं में जब गिरने लगा हो मनुष्यता का तापमान, कसवसाने लगी हो उर्वरा कोख, और सृजन कूड़े में पड़ी हुई किसी अवैध संतान की तरह अपनी पहचान तलाशता। जब सामयिक होती हो बाढ़ और असामयिक होती हो मृत्यु, मनुष्य के इतिहास हो जाने के लिए तुम्हारी साक्षी का महत्व होता है। किंतु तुम बड़े तीव्रगामी हो, तुम बड़े तीव्रगामी हो, पीछे छोड़ गए हो संदेह की नदी, अनिश्चय के पुल, लांती हुई असहाय दोपहरी, फड़फड़ाती धूप हवा और विकलांग दिनचर्या। तुमने नहीं देखी सूखे तटों की तड़पती मछलियां, सूर्यमुखी फूलों पर गिरती हुई बिजलियां और चौरास्तों को पार करती भूख। समय तुम बड़े तीव्रगामी हो। समय हमेशा सत्ता मुखी ही रहा, सत्ता के साथ ही रहा, वो कभी सामान्य व्यक्ति के साथ रहा ही। और कविता को खत्म कर रहा हूं। तुम तो महाभारत से एक प्रसंग उठाया है और कविता को खत्म कर रहा। तुम तो बलवान उत्तमौजा की तरह अभिमन्यु की लंबी भुजाओं का बल लिए युद्ध के सारथी रहे हो। तुमने देखी है सूर्यास्त के पूर्व की विजय और राजतिलक की संध्याएं, प्रथा पुत्र के अपने ही वंशधरों की विरुद्ध दिए गए ज्ञापन को भी। प्रथा पुत्र के अपने ही वंशधरों के विरुद्ध दिए गए ज्ञापन और पितामहों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध को भी धर्म युद्ध की संज्ञा तुमने दी है। किंतु तुमने वो नहीं कहा जो प्रजा ने ध्वजा के लिए सहा। इसीलिए इस बार अस्तित्व और निर्माण के लिए लड़े गए संघर्ष में तुम आदमी से हार गए। कल इस सवाल पर जब अनुत्तरित रह जाएगी धरा और निस्सहाय हो जाएंगे शब्द, इतिहास से मनुष्य के संघर्ष को काटने वाले सत्य का साक्षी रहूंगा मैं, क्योंकि इस जन युद्ध में संजय की भूमिका तुम्हारी नहीं। प्रणाम। ये कविता कई लोगों को पसंद थी, नंदबाबू को भी बहुत पसंद थी। नंदबाबू को बार बार यही कहते थे कि उसको सुना। वो सुना या कोई पसंद का गीत सुना? एक गीत सुना को आपको उग्रसेन, इसकी भी एक कथा है लेकिन वो लंबी है। वो मत कहना। वो नहीं सुना है, वो नहीं सुनाएंगे। लेकिन एक 1985 के आसपास शायद वो भिक्षावृत्ति का एक भारत सरकार ने आंदोलन चलाया था भिक्षावृत्ति के विरुद्ध, और आकाशवाणी ने एक कवि गोष्ठी आयोजित की थी और उसमें हर कवि को ये कह दिया गया कि आप भिक्षा वृत्ति के विरोध में कोई कविता लिख के लाइए। तो भारत सरकार का वो उपक्रम था, उस गोष्ठी में मैं था, आनंद जी थे, और उस गोष्ठी में जनु भाई भी थे। उसका चित्र मेरे पास रखा हुआ। जनु भाई बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे।
उसका फोटो भी मेरे पास रखा है। उस गोष्ठी में हम सब थे, तो धनुभाई ने भी एक कविता लिखी थी, नंदी ने भी लिखी भिक्षावर्ती पर। तो वो कई मित्रों के मन में रचा बसा है, हमारे रमेश बोराना भी सब लोग कई लोगों का सुना हुआ है, पुराना गीत है। तो वो ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन जितना याद है उतना सुना। और अब कंठ भी जवाब देगा, पहले जैसा कंठ भी नहीं रहा। तुम्हें वक्त के जादूगर ने मायावी शोषक अजगर ने, तुम्हें वक्त के जादूगर ने मायावी शोषक अजगर ने, इन अपराधी फुटपाथों पर बेच दिया गठरी के दाम, और तुम्हीं पर लगा रहा है भीख मांगने का इल्जाम। तुम्हें वक्त के जादूगर ने मायावी शोषक अजगर ने, इन अपराधी फुटपाथों पर बेच दिया गठरी के दाम, और तुम्हीं पर लगा रहा है भीख मांगने का इल्जाम। तुम्हें वक्त के जादूगर ने मायावी शोषक अजगर ने। जनु भाई को बहुत पसंद आई थी। एक भिक्षावृत्ति एक शब्द है ना, उस भिक्षावृत्ति शब्द पर कहने की कोशिश की है। यह तो कोई वृत्ति नहीं है, ये केवल मजबूरी है। ये तो कोई वृत्ति नहीं है, ये केवल मजबूरी है। कुछ नन्ही आँखों में टूटे हुए सपन की दूरी है। ये तो कोई वृत्ति नहीं है, ये केवल मजबूरी है। कुछ नन्ही आँखों में टूटे हुए सपन की दूरी है। पुराना गीत है ना, तो उसे तो मानते नहीं है। हाँ, ये तो कोई वृत्ति नहीं है, ये केवल मजबूरी है। कुछ नन्ही आंखों में टूटे हुए सपन की दूरी है। ये उन्मूलन उन प्रश्नों का जो हमने ही बोए हैं, उनका है क्या दोष जमी पर ओढ़ चांदनी सोए हैं। नंगे पांव ठुमकती जाती नन्हे एक तारे की पाती, नंगे पांव ठुमकती जाती नन्हे एक तारे की पाती, नर्म हथेली पर उतरा दिन, नर्म हथेली पर उतरा दिन, लेने कुछ दाता के नाम, और तुम्हीं पर लगा रहा है मांगने का इल्जाम। तुम्हें वक्त के जादूगर ने मायावी शोषक अजगर ने, इन अपराधी फुटपाथों पर बेच दिया गठरी के दाम, और तुम्हीं पर लगा रहा है भीख मांगने का इल्जाम। तुम्हें वक्त के और एक कवि को सरकार को होता है, वो क्या कर सकता है, उसके हाथ में क्या है। जनु भाई इस गीत के इस अंतिम चरण को ही बार बार सुनते थे,
मैंने मैं क्या कर सकता हूं, सरकार तो हूं नहीं, भिखारी मतदाता सूची में नहीं होता, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होता। मुझे पता है तुम्हें व्यक्ति की परिभाषा में नहीं लिया है, मुझे पता है तुम्हें व्यक्ति की परिभाषा में नहीं लिया है, तुम्हें वक्त की हर कोशिश ने एक तमाशा बना दिया है, तुम्हें वक्त की हर कोशिश ने एक तमाशा बना दिया है, लेकिन ये संकल्प प्यार का मैं इस बार उठाऊंगा। तुमने जितने अष्ट पिए हैं उतने गीत सुनाऊंगा। मुझे पता है तुम्हें व्यक्ति की परिभाषा में नहीं दिया है, तुम्हें वक्त की हर कोशिश ने एक तमाशा बना दिया है, लेकिन ये संकल्प प्यार का मैं इस बार उठाऊंगा। तुमने जितने अश्क पिए हैं उतने गीत सुनाऊंगा। तुम इन प्रश्नों के जवाब हो, तुम फुटपाथों के गुलाब हो, तुम इन प्रश्नों के जवाब हो, तुम फुटपाथों के गुलाब हो, तुम्हें लौटना होगा आखिर भिक्षा की चौखट से राम, और तुम्हीं पर लगा रहा है भीख मांगने का इल्जाम, तुम्हें वक्त के जादू आभार किशन जी। उपस्थित आज के जो गेस्ट हमारे परम श्रद्धेय प्रोफेसर जानी साहब, चांसलर, आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे युवा और जांबाज कुलपति प्रोफेसर एस एस रामदेव साहब, आदरणीय रमेश जी बोरना साहब, डॉक्टर जीवन सिंह जी, किशन जी दादी साहब, रजिस्ट्रार साहब एम शंकर जी दादी साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक राव साहब, हमारे अजात शत्रु जी के विद्वान खवी साहब, बाहर से पधारे हुए जिनका मैं नाम नहीं भी जानता हूँ, हमारे सभी साहित्यकार कवि विद्वान, सभी हमारे विद्यापीठ के एचओडी, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, संस्था की ओर से इस मीराबाई और पन्नाधाय की धरती के ऊपर विद्यापीठ की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपको। विषय तो बोलना था लेकिन मामा राव साहब ने जो हमारा समय तो सारा ही जो है दादी साहब ने और हम वो कविता सुनने में बाकी भूल ही गए हम क्या बोलना नहीं बोला। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मैं आदरणीय है हमारे जीवन सिंह साहब से निवेदन करूंगा। एक प्रसंग आया था बीच में, संस्कृति के ऊपर बात चल रही थी, मैं सर्वप्रथम दादी साहब को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके आज इस ऐसे आपकी जो कृति का जो विमोचन जो आज हुआ है, बहुत गंभीर हुआ है और ऐसे साहित्यकारों के सानिध्य में हुआ है, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। संस्कृति की जो बात आज डॉक्टर साहब जीवन सिंह जी ने की, संस्कृति, मैं गाँव का रहने वाला हूँ और संस्कृति कहीं जिंदा है तो ये जबरदस्ती जिंदा रख रखी है अपन ने, गाँव में संस्कृति लुप्त होती जा रही है, आर्थिक युग आ रहा है और उस कंपटीशन में संस्कृति नहीं के बराबर है। अपन चाहे कुछ भी कहें
आप जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनकी संस्कृति लेके चलो, इससे जोड़ रखा है धर्म के नाम पे, वो कुछ नहीं है। हिंदुओं में जो संस्कृति कहाँ फेल हो रही है, आज थोड़ी बहुत जिंदा है, गाँव में है लेकिन कई टुकड़ों में बंट गई, कई भागों में बंट गई है संस्कृति, जो उसको जो है संभाल नहीं पा रहे हैं या उसकी पूरी पालना नहीं हो पा रही है। मैं आदरणीय जीव सिंह साहब, मैं प्रधानपति रहा हूँ, सरपंच रहा हूँ और सरपंच पति हूँ अभी। इसलिए आपने पता नहीं वो शब्द किस पे कटाक्ष किया, लेकिन मैं सरपंच पति ऑलरेडी हूँ और इस विद्यापीठ में ग्रामीण क्षेत्र में ये 4600 वर्ष से मेरे मुझे काम करते हुए, और हम रूरल में काम कर रहे हैं जनू भाई के सानिध्य में। तो जो गांवों में जो पोजिशन है वो आर्थिक युग आ गया है, और वो जो है अब आप जो उस संस्कृति के ऊपर से जिंदा रहना चाहते हो नहीं है, उस संस्कृति के लिए आपको साहित्यकारों को और कवियों को उसको जिंदा रखने के लिए आपको त्याग करना होगा और आपको गांवों तक पहुंचना होगा। ये शहरों में अपन किताब पढ़ ली और ये सुना दिया, ये सुन कैसे रहे हैं वो भी अपन जान रहे हैं। सही कह रहा हूँ, बोल देना था। तो अब ये संस्कृति को ऐसे जिंदा नहीं रखा जा सकता। मैं पुनः आप सभी का विद्यापीठ से आभार व्यक्त करता हूँ, सभी का, हमारे मंसा सिंह का, हमारे चांसलर साहब फिर कहाँ से पधारे, आप कहाँ से हैदराबाद और कहाँ से पधारे, पुनः स्वागत करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। कुलपति जी सबको स्मृति चिन्ह प्रदान कराना। वसुंधरा जी पधारे। नहीं नहीं, इन्होंने मुझे कहा मुझे दिग्विजय सिंह जी से हटाई करनी है। अब आदरणीय गुरु प्रमुख जी कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, लेकिन हमारे श्रोता इस बात के साक्षी हैं कि सभी ने बहुत अच्छे मन में बड़े मनोभाव के साथ सब कुछ सुना, और बहुत ही लंबे समय बाद इस तरह से सभी को आनंद मिला। तो मैं थोड़ा सा गुजर साहब की इस बात से असहमत हूँ कि कोई भी सभी अपने मन से और बिल्कुल ही बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ सभी हैं सुन रहे हैं। आज का एक बहुत ही शुभ अवसर है विद्यापीठ के लिए कि कविराम मोहन सिंह स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यानमाला, जिसका विषय बहुत ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छा है, संस्कृति समाज और साहित्य, और साथ ही आज एक ऐसी पुस्तक का लोकार्पण हुआ जो 75 इयर्स 75 वर्ष बाद, कह सकते हैं कि 50 वर्ष बाद यदि
श्री उत्तदाजी साहब ने 25 वर्ष बाद लिखना शुरू किया तो 50 वर्ष बाद इस पुस्तक का हम सभी समाज के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कृति सामने आई है। इसके लिए विद्यापीठ परिवार और ये समाज आपके प्रति बहुत ही उपकृत है। आज के हमारे मुख्य अतिथि इस समारोह के परम आदरणीय प्रोफेसर बलवंत राय जानी साहब, जो हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, लेकिन साथ ही श्री हरि सिंह गोर सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी कुलाधिपति हैं, और आपके बारे में जितना कहें उतना कम है। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्तर जो शिक्षा के नवाचार हो रहे हैं उसमें हर जगह आप अपना बहुत ही अमूल्य अवदान दे रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप समय निकाल कर केवल इसी प्रोग्राम के लिए पधारे हैं। साथ ही हमारे कुल के प्रमुख माननीय बीर गुजर साहब, जिनका भी संस्था के प्रति बहुत ही आपका 46 ईयर से अपना कंट्रीब्यूशन करते आ रहे हैं, उसी का सफल है कि हम आज एक आगे के पायदान पे हैं। श्रीमान किशन जी दाजी साहब का जनुभय के समय से ही आपका बहुत ही संस्था के प्रति लगाव रहा है। आप वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और बहुत ही समाजसेवी हैं। मेरे प्रति व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत ही एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे मैं भूल नहीं सकता हूँ। हमारे बीच आज के इस पूरे समारोह में जो हमारे विषय निष्ठात और इस पर पूरी अपनी प्रमुख वक्ता के रूप में जो उद्बोधन दिया जीवन सिंह जी साहब, आप वरिष्ठ आलोचक, कवि, समीक्षक, साहित्यकार, और जब तक हम याद करते हैं आप अलवर से पधारते हैं, आपको इस सर्दी में बहुत सी तकलीफ होने के बावजूद भी कभी भी आपने, चूँकि ये प्रोग्राम पहले हमें गत महीने भी हो रहा था लेकिन इसके बावजूद आप पधारे। डॉक्टर वसुंत रमेश जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कोलकाता से आए हैं, मैं यह भी थोड़ा सा उल्लेखित करना चाहूँगा कि विद्यापीठ ने कोलकाता में माँ श्वेता देवी जी को डीलिट की उपाधि दी थी। हम गए थे वहाँ और वे वहाँ ने एक पूरा कन्वोकेशन फंक्शन किया था कोलकाता में, तो हमारे लिए कोलकाता में भी बहुत ही यादगार है। कर्नल अर्जुन सेठिया साहब वहाँ हैं, इस तरह से हम सभी कोलकाता की अपने बंगाल की बात करते हैं तो एक अलग ही बात है। डॉक्टर रमेश बोराना साहब का बहुत ही व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पधार कर हमें बहुत ही गौरवान्वित किया है। आप एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जो संगीत नाटक कला अकादमी में बहुत अपना हैसियत है आपकी, और हम सभी प्रदेशवासी बल्कि राष्ट्र के सभी भारतवासी आप पे बहुत ही फख्र अनुभव करते हैं। श्री सुरेश शर्मा साहब जो संचालक हैं नीलकमल पब्लिकेशंस के, हैदराबाद से हैं, लेकिन आपका जो बहुत ही सहजता और सरलता से कोई पता नहीं लगा सकता है कि आपका इतना लंबा चौड़ा कारोबार, और केवल कारोबार को कारोबार के हिसाब से नहीं करते हैं, आपकी पूरी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनको किस तरह से समाज के सामने लाई जाए, किस तरह से एक कवियों किस तरह लेखक को आगे बढ़ाया जाए, ये सभी आप में गुण हैं। कभी आप इसमें अपने कमाई के लिए कोई आप ये व्यवसाय नहीं करते हैं, तो ऐसे समाज में जो लोग हैं वही हमारे लेखकों को आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ संगम मिश्रा साहब का जो शिक्षाविद और इस उदयपुर के आपने स्कूल एजुकेशन बहुत बड़ा योगदान है, आपका मैं इस पर इसमें स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे अग्रज और मेरे लिए बहुत ही इतना आशीर्वाद देते हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। प्रोफेसर श्रीनिवास अय्यर साहब, जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया था तो जो मैं रजिस्टर में साइन कर रहा था तो पहला जो मुझे आशीर्वाद मिला
87 में वो आशीर्वाद अय्यर साहब से मिला था, बहुत ही सरल सरल। और हमें कोई संस्कृति की झलक देखनी है तो आप एक संस्कृति की बहुत बड़ी झलक है, हम बहुत ही गर्व है। हमारे कविराज आजा शत्रु सिंह जी बहुत ही युवा, बहुत ही टैलेंटेड, हमारे इस बहुत ही मेवाड़ के एक छोटे से क्षेत्र से हैं, लेकिन आपका नाम देश विदेशों तक है। मेरे ख्याल से जो कवि सम्मेलन होता है, भारत के कोई ऐसे कवि सम्मेलन नहीं होंगे या ऐसे कोई कवि नहीं होगा जो आपको नहीं जानता हो। आपने कुमार विश्वास जैसे बड़े बड़े कवियों को आपने संचालन किया है, साथ ही इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ही गति दी। विगत 5-6 दिन से मैं थोड़ा सा बीमार था और इस प्रोग्राम को इस तरह से होना बहुत बड़ा ही थोड़ा सा लग रहा था कैसा होगा, लेकिन मेरी एब्सेंस में पूरी तन्मयता के साथ अग्रसेन राव साहब ने इस पूरे प्रोग्राम को गति दी, पूरा यहाँ किया, उनका बहुत आभार है। आप कविरा मोहन सिंह स्मृति व्याख्यान वाला के साथ ही हमारे साहित्य संस्था में ऐसे बहुत सी साहित्य जो अप्रकाशित हैं उसको प्रकाशित करने में अपना पूरा दम लगा रखा है, और ऐसी बहुत सी कृतियाँ सामने हैं जो हम सभी के लिए विद उपाध्याय हैं। हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर श्याम शंकर दासजी साहब और साथ ही यहाँ विराजमान सभी हमारे सीनियर फैकल्टी मेम्बर्स और सभी HODs डीन डायरेक्टर और इस शहर से प्रधान प्रभुजन कुलशेखर जी, आप सभी का बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद अर्पित करता हूँ। और साथ ही मैं आज की इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए मैं मंचा सिंह अतिथि को बताना चाहूँगा थोड़ी सी, क्यों समय हो गया मैं थोड़ी मजाकी बात भी करूँ कि हमारे क्या है कि जब ऐसे कोई साहित्य के प्रोग्राम होते हैं तो हमारा पूरा एक ऐसी गैदरिंग है कि आज तो मेरे ख्याल से करीब 3 घंटे हुए लेकिन आप 6 घंटे भी बैठाते हैं तो हिलेंगे नहीं, तो ये क्या है वास्तव में। और आपने सभी को देखा होगा जिन जिन वक्ताओं ने अपनी बात कही, हमारे बैठे हुए सभी श्रोताओं ने उनके साथ समाहित हुए, आत्मसात उनके साथ एक अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया जो उनके साथ है, तो इस बात का द्योतक है कि जो जो परंपरा जो हमारी झुनू भाई ने, क्योंकि झुनू भाई के समय जो प्रोग्राम होते थे 10 वर्ष उनका सानिध्य मुझे मिला, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो किस धुन से बोलते थे और उनके हाथ और उनके जो इशारे होते थे और जो एक आवाज निकलती थी जैसे संस्कृत के फूल बरस रहे थे और लोग भूल जाते थे कब आए कब गए, तो वही स्थिति आज हमारे जो इतने मूर्धन्य साहित्यकार विराजमान हैं, जीवन सिंह साहब से लेकर सभी ने अपनी बात को बहुत ही उम्दा तरीके से रखी और बहुत ही लाभान्वित हुए। मैं 4-5 मिनट और लूंगा क्योंकि अभी हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का जो उद्बोधन आशीर्वाद बाकी है, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं डॉक्टर जीवन सिंह जी साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जीवन भाई स्वयं एक समाज साहित्य और संस्कृति के पोषक और संरक्षक थे। कविराज मोहन सिंह जी ने पृथ्वीराज को संकलन संपादन कर स्वयं तो अमर हुए ही साथ ही विद्यापीठ को भी अमर कर दिया, गौरव बढ़ाया। आपने ठीक बताया कि मेवाड़ मेरा और प्रताप ये संस्कृत और पन्नाधाय ये संस्कृति के पर्याय है और संस्कृति त्याग है, तपस्या है, मानवता का है और साहित्य और संस्कृति वही है जिससे कि मुक्ति मिले, क्योंकि जो कुछ है आप हम आज जो शिक्षा ले रहे हैं, आप जो भी सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, वो है हमारी मुक्ति कि हम जैसे कि हमारा जुनू भाई कहते थे सरस्वती देवं तो हम थे, राव साहब ने अपने उद्बोधन बताया था कि हम ऐसी शिक्षा दें जिससे कि देवत जागृत हो हमारे शिष्यों में हमारे छात्रों में, तो वो देवत का मतलब ही हम ऐसा कार्य करें जिसकी समाज और राष्ट्र उस पर पूरा फक्र करे। साथ ही आपने बताया कि समाज में राष्ट्र के विकास को उन्नति
समाज के लोगों को दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। नैतिक व कर्तव्य बहुत साहित्य में के माध्यम से ही होता है। और लास्ट में आपने पूरी एक सार बताया, वो ये था कि स्वाधीनता, समानता और भाईचारा, अगर ये साहित्य सृजन कर सकता है इन तीनों बातों में, इन तीनों बातों को, या समाज के सामने इसको अस्थिर रख सकता, हमेशा बनाए रखता है, तो कवि और साहित्य के इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्हीं से नई संस्कृति बनती है। और जिस तरह से वैश्विक युग में संस्कृति सांस्कृतिक चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, उसमें हमें ये देखना होगा कि किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और बुद्ध जो संस्कृति की देख संस्कृति को आगे बढ़ाया, और उनके सबसे उनका जो मूल कारण था उसमें त्याग की भावना थी। तो आज भी हमें त्याग के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यदि संस्कृति और समाज उत्थान की बात करते हैं तो उसमें संतुलन बहुत जरूरी है, और संतुलन पैदा या साहित्यकार करते हैं। समाज में जो संतुलन है, ऊंच नीच होती है कभी, लेकिन उसको वापस गाड़ी पटरी पे आती है वो साहित्यकार लाते हैं। तो आपका बहुत अच्छा उद्बोधन इस तरह से रहा। डॉक्टर वसुधा मिश्र, आपने बहुत ही समीक्षा में अपने सभी पहलुओं पर विचार रखे हैं। डॉक्टर किशन दादी साहब स्वयं पर ही एक चलते हैं, वो किसकी गैज नहीं है, या बहुत अच्छी बात आपने बताई। और भाषा माध्यम ही नहीं बल्कि एक अनुभूति और आत्मसंतुष्टि से भी बढ़कर हैं। गीत संवेदना है, उसको जागृत करते हैं, गीत संवेदनाएं जागृत करते हैं, नैसर्गिकता का अनुभव में होता है। और गीत की बात करते हैं तो वास्तव में कह सकते हैं कि जो सत्यम शिव सुंदरम है, इनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो गीते हमें सभी तरह की अनुभूति करवाते हैं, कविताएं भरोसा दिलाती हैं, सांत्वना देती हैं, जिज्ञासा जागृत करती हैं, जीवन में जीवंतता तो लानी है, तो कविताओं का होना, इस तरह से रचनाओं का होना बहुत जरूरी है। संगम मिश्रा साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने संस्मरण सुनाए, और जितने भी साहित्यकार उदयपुर के थे आपने बताया कि किस तरह से इनकी बैठकें हुआ करती थी, और इसे छोटे से घर को हमें साहित्यों से पूरी रचनाओं से एक सरोकार रखा आपने। साहित्य सृजन हुआ है तो उसका प्रकाशन होना भी चाहिए, क्योंकि वो भावी पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमने सभी ने सुना, आदि का एक मोटिवेशन या कह सकते हैं, क्योंकि आप मित्र हैं तो मोटिवेशन ही है हमारे दादी साहब के लिए कि इस कृति को आप पूरे जोर से सामने लाए हैं, आप यहाँ पधारे। डॉक्टर रमेश जी बोराना साहब ने अच्छी बात कही कि लेखक की ख्याति समाज की एक तरह से विरासत होती है, और समाज साहित्य संस्कृति को संगोष्ठियों के माध्यम से ही संरक्षित रखा जा सकता है। समाज में अज्ञानता व संवेदनशीलता को दूर करना होगा, तो इस तरह से हमें रचनात्मक सहयोग करना बहुत जरूरी है। तकनीकी विकास में हम किस तरह से संवेदनाओं को साहित्य के माध्यम से हमेशा इस जो हमारी संस्कृति बनाए रखें, सभ्यता बनाए रखें, क्योंकि झूठ के सहारे कोई संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती है, सत्य का होना बहुत जरूरी है। साथ ही श्रीमान सुरेश शर्मा साहब ने अपने प्रकाशन कार्य के साथ साथ में अपने सृजनात्मक के प्रति जो अपने भाव हैं, केवल आपका एक व्यवसाय के रूप में देते हुए आपने इसको बहुत अपना एक अंतरात्मा से मनोभाव के साथ सेवा कर रहे हैं। पुस्तक केवल फकत कागज का टुकड़ा नहीं होती है, बल्कि वो दिल में बंधी हुई, बल्कि वह जीता जागता एक आत्मा का पुंज होता है। तो जो भी कविता जो रचनाएं हैं वो पुस्तक के रूप में आती हैं, तो वास्तव में वो क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा एक उच्चतम पायदान होता है, वो समाज में प्रचार प्रसार के साथ ही वो भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है। इन्हीं भावना के साथ अंत में किशन दाजी साहब ने अपनी बात को बहुत ही तन्मयता के साथ में कही, और रचनाकार नए युग की नई संस्कृति के बीच वो बीज बोता है और विकसित भी होते हैं,
आज सृष्टि का निर्माण हो रहा है या जो भी बातें हो रही हैं वो सभी साहित्य के माध्यम से हैं। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से गूगल और नेटवर्क का जमाना है और जिस तरह से किस तरह से पाठक हैं, किस तरह से आज हमारी युवा पीढ़ी किस तरह जारी है, ऐसे में किताबें लिखना और इस तरह से हिम्मत करना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम कितना ही हम तकनीकी रूप से या कितना ही कुछ करें, लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे हमारे कह सकते हैं कि सांस्कृतिक मूल्य हैं, सनातन मूल्य हैं, जो केवल हम उनको इस तरह से केवल गूगल के भरोसे छोड़ सकते हैं, वो चीज़ें समय समय में आगे लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही गुर्जर साहब ने हमें बहुत ही कुछ ठोस धरातल की बातें बताई, वास्तव वो भी अपनी जगह सही है। आज वास्तविक जो स्थिति है हम समाज में देखते हैं, संस्कृत की बात करते हैं तो बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी हमें कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारे बीच जीवन सिंह साहब जैसे, मोरवा साहब जैसे और मैडम भसूरा जैसे कवि और साहित्यकार हैं, वो अपनी रचनाएं लिखते रहेंगे। हमारे कुलाधिपति गुजरात में बहुत बड़ा एक साहित्यिक और इतना हर कालखंड के वो अलग अलग अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दे रहे हैं। ऐसी बहुत सी कृतियाँ उन्होंने करी हैं जिसमें उनको लाखों रुपए का अवार्ड भी मिला है। और साथ ही अभी भी आप महीने में कम से कम 20 से 25 दिन आउट ऑफ स्टेशन केवल शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से उनका आगे बढ़ाएं, तो ये हम सभी के लिए ऐसे जो हमारे कर्मठ लोग हमारे समाज के बीच में हैं, मेरे ख्याल से कहीं भी निराशा का ऐसा वातावरण नहीं है। इन्हीं भावना के साथ में मैं एक बार पुनः आयोजकों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने आज लंबे समय बाद वास्तव में, और प्रोग्राम कब सफल होता है, सक्सेस होते हैं, जबकि उसमें जो बाधा में जो विद्वान लोग होते हैं उनके जो हमारा जो आशीर्वचन मिलता है, उनकी जो भाषाएं होती हैं, उनका जो विद्वत्ता के जो जो अंदर की जो अपने हृदय की गहराई से जो बात कहते हैं वो हमें छूती है, और तभी हमें आनंद आता है, समय का कोई प्रभाव पता ही नहीं पड़ता है। इन्हीं भावना के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, थैंक यू, जय। पुराना सर्वोदय विचारधारा से जीवन लक्षी मूल्य गुणों से और राष्ट्र प्रेम से सराबोर ये जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय में आज जो कार्यक्रम हुआ वो सही अर्थ में उनकी एक बड़ी परंपरा, उनका एक ठोस प्रभाव, किस तरह का आज तक अविरत चालू रहा है उनका एक बहुत बड़ा परिणाम प्रात्यक्षित रूप में दिखाई देने वाला एक कार्यक्रम। कार्यक्रम तो व्याख्यान माला थी, लेकिन ये हमारे बड़े कवि मोहन सिंह राव के नाम से जुड़ी हुई, ये राव परंपरा, चाणक परंपरा एक बहुत बड़ी परंपरा है, और राजस्थान का साहित्य तो चारण बारो राव ने जो लिखा है वो इतिहास का एक दस्तावेजी आधार मान रहा है। ऐसे मोहन सिंह राव के नाम जुड़ी हुई व्याख्यान माला, लेकिन कुलपति बहुत दृष्टिपूत है, बहुत संस्कृति मूलक साहित्य प्रेमी व्यक्तिमत्ता के धनी है, इसलिए उन्होंने जनुभाई के साथ जनुभाई परंपरा, जनुभाई विचारधारा से जुड़े हुए उनके समकालीन अनुकालीन कवि थे हमारे, जिसका अभी लोकार्पण हुआ, ये किशन सिंह दाधीच। काव्य संग्रह तो पहला है, लेकिन व्यक्ति ये पहली नहीं है किशन जी, पुरानी है।
लेकिन आज उनका जो मौन था, मैंने कहूंगा कि ये गीत समय कोई काव्य संग्रह है, मैं कहूंगा कि ये गीत समय किशन दाधीच का मौन मुखरित हुआ है, उनका मौन उद्घाटित हुआ है और ये मौन में से पूरा युग उद्घाटित होता है। राजस्थानी युग, राजस्थानी मानव जीवन का उद्बोधन वाला एक बड़ा ग्रंथ भी ये व्याख्यान माला के साथ जोड़कर एक कार्यक्रम द्वय जिन्होंने आदित बिल्कुल विचार के साथ आयोजित किया, ऐसे कुलगुरु सारंग देवोत जी, हमारे कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर जी, और आज जिन्होंने बिल्कुल कल्चरल क्राइसिस क्या है और हमारी संस्कृति क्या है, समाज क्या है और समाज को संस्कृति को जीवित रखने वाला जो साहित्य है उनका प्रभाव, ये तीनों संज्ञा को साथ में जोड़कर जो उन्होंने बहुत अभ्यासपूर्ण चिंतनात्मक और वाल्मीकि रामायण को सामने रखकर उनके श्लोक के आधार साथ उनके अनुवाद के साथ जिन्होंने विद्वत्ता पूर्ण फिर भी इतना सरल, इतना सुरुचिपूर्ण और इतना हृदय स्पर्शी था कि मैं कहूंगा कि ये व्याख्यान छपना चाहिए अवश्य। बहुत अभ्यासपूर्ण वक्तव्य जिन्होंने दिया ऐसे हमारे परम आदरणीय जीवन सिंह जी, बड़े आलोचक है, तीन चार पेटी उन्होंने देखी है, आज भी क्रियाशील है, ऐसे वक्ता के लिए जिनको चुना गया तो इसलिए फिर से मैं ऐसे व्याख्यान माला में ऐसे वक्तव्य के साथ ऐसे वक्ता को चुनना यह भी एक बहुत बड़ी बात है। आजकल हर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मैं आपको बुलाऊं, आप मुझे बुलाओ, मैं उनको बुलाऊं, नहीं, हमारी संस्कारिता, हमारी गरिमाशीलता ऐसे विद्वत पूर्ण व्याख्यान देने के लिए विद्वान को बुलाकर उनका यह सम्मान किया है। मैं कहूंगा कि व्याख्यान माला से, उनके व्याख्यान से व्याख्यान माला विभूषित हुई है। उन्होंने हमारी व्याख्यान माला को यहां आकर विभूषित किया है। ऐसे हमारे जिन्होंने काव्य संग्रह के बारे में बहुत निरीक्षण पूर्ण सूक्ष्म निरीक्षण हमारे सामने बहुत कम शब्दों में प्रस्तुत किया, ऐसी विदुषी वसुंधरा जी मिश्र हमारे यहां आकर जिन्होंने बहुत कम समय में, फिर भी मिश्रा जी ने जो हमारे सामने बात प्रस्तुत की और ये काव्य का अमुक भी संग्रह का लिखा है, प्रकाशक महोदय भी उपस्थित रहे और सबसे बड़ी बात तो ये हमारे बोराना सा रमेश भाई यहां उपस्थित रहे। कितने समय से कला जगत से जुड़े रहे, कला जगत की संस्थान से जुड़े रहे, ये बोराना साहब यहां खास उपस्थित रहे और इसी वजह से ये कार्यक्रम की एक गरिमा मिली। अय्यर साहब तो पुराने हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में आना बैठना एक कितनी बड़ी बात है। देखो ना, कार्यक्रम में कैसा है कि उनके संबोधन में ही 4 मिनट चल गए, ऐसा कार्यक्रम कहां होता है
जिसके लंबे संबोधन हम करने के लिए आकृष्ट हो जाए, ये इस कार्यक्रम की बड़ी गरिमा है। टीएस एलियट का एक नाटक है कॉकटेल पार्टी, नाम का नाम तो ये तो वेस्टर्न ड्रामा है तो नाम ऐसा है, लेकिन उसमें एक दृश्य आ रहा है। ड्रामा शुरू होते ही सब चले गए हैं, ड्रामा शुरू होते हैं तो प्रथम दृश्य में पार्टी पूरी होगी, सब चले गए हैं और ये नायक जो है बैठा है और जो बैरो है ये सब साफ कर रहे हैं, उठा रहे हैं पात्र, बैठे काम कर रहे हैं, तो एक बैरो को एक हाथ खींचकर सुनो, बस ये पहला समय सुनो, किसको कहते हैं? कोई बैरो, ये जो था ने लंबे बहुत लंबे हैट पहनी थी, हाँ वो बहुत बदमाश था, नालायक था, लेकिन मेरे मित्र पुरा ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन मैंने उनको बुलाया था, कितना खाया उन्होंने आपको पता है, बहुत बदमाश था। तो वो बैरो कहता है कि सर मैं आपको भी नहीं पहचानता हूं, उनको भी नहीं पहचानता हूं, मैं तो यहां बैरो हूं, अनजान हूं। तो तीसरा दूसरा सवाल है, हाँ इसीलिए मैं तुझसे बात करता हूं। आज आदमी व्यक्त नहीं होता है कहीं, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस में फर्क है, अकेलापन और एकाकीपन, कहां व्यक्त होता है मानवी, व्यक्त तो होना पड़ता है, अकेला तो बोल नहीं सकता है। तो आज मानवी की जो अवदशा है उनका काव्य में पढ़ रहा था, एक बहुत स्पर्शम काव्य था रह गई लोरी अधूरी, दूसरा काव्य है ऋतु संहार और ये अधूरी जो लोरी रह गई है उनकी ये तलाश में, लोहिया की तलाश में। राम मनोहर लोहिया ऐसे ही विचारशील थे, उनकी किताबें कृष्ण और राम तो बड़ी बड़े ये समाज से आधारित, तो ये लोहिया प्रेमी। आभार मनस्वी कुलाधिपति। अब मैं निवेदन करूंगा रजिस्ट्रार महोदय से कि कार्यक्रम की अध्यक्षता फरमा रहे हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय कर्नल प्रोफेसर एसएस सारंगदेव साहब एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमान भोर जी गुजर साहब, कुल प्रमुख तथा श्रीमान किशन जी दादी, आप सभी के इस कार्यक्रम में पधारने पर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर वसुंधरा जी मिश्र, वरिष्ठ साहित्यकार कोलकाता, डॉक्टर रमेश जी बोराना पूर्व अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, नीलकमल पब्लिकेशन हैदराबाद का भी हमें विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ, इस हेतु आप सभी का कोटि से आभार एवं धन्यवाद। इस सदन में विराजमान शहर एवं बाहर से पधारे अतिथिगण एवं विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों के डीन डायरेक्टर एवं कुल कुटुंबी जनों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा को ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं। अंत में इस व्याख्यान माला के संचालक डॉक्टर उग्रसेन जी राव का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सक्रिय योगदान देकर कार्यक्रम सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। बहुत
ये गुणांकन लिया है बहुत नहीं नहीं।